चैप्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, 100% दिस विल कम इन द एग्जाम 100%. अभी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, वंस दे हैड आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. जो स्टूडेंट पढ़ के गए उनके लिए चार चार मार्क के दो क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट पढ़ के उनके लिए अच्छा, जो नहीं पढ़ गए उनका बैंड वैसा. और बहुत ईजी है, अपन देखेंगे ना, यू विल रियलाइज की अगर अभी तक कोई इसको कोई ऑप्शन छोड़ा क्या अभी तक ऑप्शन. अरे बाप रे, हमेशा. अरे क्या यार, ठीक है. अरे दिस वेरी वेरी हार्ड का चैप्टर, बहुत ईजी है, देखते कैसा आएगा. ठीक है, देखते. यू मस्ट बी हैविंग आवर ओन रीजंस, ठीक है, छोड़ने का ऑप्शन में. जैसे आई हैड माय रीजंस व्हेन आई वाज गिविंग सपोर्ट, आई डोंट ब्लेम यू ऑल. आजा, देखते कैसा आएगा. फर्स्ट टेल मी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सीआईएस एनवायरनमेंट. सीआईएस मतलब कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट. क्लियर है? तो इसका पहले खाली मीनिंग समझ ले. सिस्टम वो होता है जिसमें होता है तेरा एक प्रोसेस कॉल्ड एज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. ये इजी हो जाता है तेरा सिस्टम. जो सिस्टम तेरे को इंफॉर्मेशन देगा ना, उसको अपन बोलते हैं यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो दैट इज दिस, एनी सिस्टम दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसे टैली इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. प्लस एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी मैनुअल ऑल्सो. जैसे मैंने अगर मेरे स्टाफ को बोला इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दे कैन गिव मी मैनुअल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. सो दे आर एक्टिंग एज अ सिस्टम. सिस्टम इज नथिंग बट नॉट कंप्यूटर और एनीथिंग. सिस्टम इज एनीथिंग दैट हैज एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इफ आई टेल माय स्टाफ मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे आर टेकिंग द इनपुट प्रोसेसिंग, मेकिंग द टेबल एंड गिविंग इट टू मी. दैट इज बेसिकली दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ सिस्टम एंड दे आर गिविंग मी इन्फॉर्मेशन. सो आर द इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मी? यस, फॉर द टाइम बीइंग यस. बट When I use computers, no, the information tends to be more, क्या बोल रहा हूं मैं, accurate, more efficient, error free, ये होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता. तो अगर मेरा सारा डेटा अगर कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मेरा सारा डेटा है, तो ऑडिट भी होना चाहिए तेरा कंप्यूटर में. सो द सीए शुड नो हाउ टू डू द ऑडिट यूजिंग द सिस्टम. हर चीज अपने को फाइल्स में मिलेगा नहीं, अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स में देखना पड़ेगा, उसमें ऑडिट करना पड़ेगा अपने को. ऑडिट टूल्स यूज करने पड़ेंगे, एक्सेल यूज करना आना चाहिए, वी लुकअप आना चाहिए, ये सब करते हैं ऑडिट के टाइम पे. तो तेरा अगर ये सब रिक्वायरमेंट है, अगर ये सब रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिटर को पता चलना चाहिए इसमें ऑडिट कैसे करने का. तो ये पूरा चैप्टर उस पे, सिस्टम के ऊपर ज्ञान. ठीक है, अब इस पे देखते हैं. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू मेनली, आई एम डिवाइडिंग अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इनटू थ्री पार्ट्स. पहले अपन बोलेंगे समथिंग कॉल्ड एज कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स. क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक. दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो ऑडिटर को हेल्प करता. जैसे आगे फर्म में अगर आप एक क्लाइंट का डेटा लेगा, क्लाइंट का डेटा है लैक्स में सेल्स. लैक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं लैक्स. अपन ने मटेरियलिटी रखा है कितना, लेट्स अपन ने मटेरियलिटी रखा है वहां पे 1 लाख का, कि 1 लाख के ऊपर सारे ट्रांजेक्शन चेक करेंगे. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो 8 लाख ट्रांजेक्शन है कंपनी, इतना कंपनी ने डील किया. अपने रखा रेट सेट अपना मटेरियलिटी है 1 लाख, तो अपने को 1 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन चाहिए. एक ऑप्शन है, एक एक इनवॉइस देखो, देखो 1 लाख के ऊपर क्या, पहले उसको छाटो और फिर बाद में उसका ऑडिट करो. ये तो कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड. दूसरा क्या हो गया, जितने ट्रांजेक्शन उसको एक्सेल में मांगो, और एक्सेल में जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डेटा देगा उसको फिल्टर लगा के सीधा 1 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन देखो. ये स्मार्टर वे हो गया. जब ये एकदम ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एकदम बेसिक फिल्टर लगाना जो अपन करते हैं एक्सेल में. तो अगर ये सिस्टम अगर अपन यूज कर रहे हैं ना, देन बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन ऑल दीज एरियाज. जैसे ईवाई का एक सॉफ्टवेयर था, हम लोग का ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग यूज करते थे, जबरदस्त. मतलब क्या, अगर एक कंपनी का हम लोग को डेटा ऑलरेडी मिल गया ना, और ट्रांसफर प्राइसिंग में ना, यू हैव टू सी समथिंग कॉल्ड एज कंपेरेबल्स, वो आर्म्स एंड प्राइस देखने के लिए. तो कंपेरेबल देखने के लिए हम लोग खाली कंपनी का नाम डालते थे ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंडिया के लॉट ऑफ कंपनी का डेटा ऑलरेडी फेड इन था. तो देयर इज 90% चांस कि हम लोग जो कंपनी का नाम डाल रहे हैं ना, उसका डेटा उसमें रहेगा. और वो क्या करता था, उसमें से कीवर्ड्स पकड़ के ऑटोमेटिकली उसके कंपेरेबल हम लोग को देता था. और वो कंपेरेबल अगर अपन मैन्युअली ढूंढने जाते हैं ना, जान निकल जाती है. मतलब तेरा 3 दिन जाएगा सिर्फ कंपेरेबल ढूंढने के लिए. और ये सॉफ्टवेयर क्या करता था, खाली तूने कंपनी का नाम डाल दिया, सीधा उसके आगे 5 कंपेरेबल 10 कंपेरेबल्स का पूरा डेटा हम लोग को देता था. अच्छा ये देखो. एंड यू हैव टू देन सी ओनली दोस कंपनीज ट्रांजैक्शन. डज इट सेव टाइम? यस. सिमिलरली ऑडिट में अगर कोई सॉफ्टवेयर हेल्प करता ना अपने को, तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक. सिंपल है, यहां एक कॉन्सेप्ट. दूसरा एकदम जेनरिक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. उन लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, सीआईएस एनवायरमेंट में अगर एक ऑडिटर काम कर रहा है, तो ऑडिटर को क्या क्या नया चीज देखने मिलेगा. अगर वो मैनुअल से सीआईएस में आ रहा है, तो सीआईएस में ऑडिटर को क्या क्या नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा. दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग हियर. एंड लास्ट में अगर यहां पर आएगा इंपॉर्टेंट आंसर्स. और कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स है, इजी अपन देखेंगे. क्लियर है? मैं इसका तो थर्ड हेडिंग का नाम मैं इजीली दे सकता था वहां पे अदर आंसर्स करके, लेकिन अगर मैं अदर दे देता हूं ना, तो उसका वेट थोड़ा गिर जाता है नीचे ऐसे करके. तो इंपॉर्टेंट आंसर्स क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट आंसर्स देखते कैसा आएगा. क्लियर है? लेट्स सी.
कम टू द शीट, आराम से कर रहे, बहुत सिंपल चैप्टर है, सच्ची बोल रहा हूँ, हाथ का है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ये तेरा सबसे वो वाला चैप्टर जो जिसमें स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर, इसमें क्या केस स्टडी पूछेंगे लोग, इज नो स्कोप ऑफ केस स्टडी। अच्छे से कर, देखा लिखा मैं, लेट्स डू इट टुगेदर। देखा लिखा, ऑडिट अंडर सीआईएस एनवायरमेंट, क्या लिखा, ऑडिट अंडर सीआईएस एनवायरमेंट, आराम से कर दे। आंसर नंबर वन तुम लोगों को मिलेगा वहां पे, कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन यूजिंग कैट, मिला तुम लोगों को वहां पे। नाउ फर्स्ट लेट्स डू द बेसिक फर्स्ट स्टेप इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर को गो थ्रू कैसे करने का, थोड़ा मैकेनिकली जाना पड़ेगा। पहले तो वर्ड कैट है ना उसको सॉल्व कर, ऐसे बॉक्स में डाल, देखते कैसे आएगा। और उधर दोस्त क्या लिखा है वहां पे, कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स, क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ वॉट फैक्टर्स, मतलब कैट टूल यूज करने के पहले क्या क्या चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द कैट टूल, दैट इज फॉर कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द कैट टूल। तो सॉफ्टवेयर बिठाने के पहले अपने को क्या क्या सोचना चाहिए, जैसे अपने पास स्टाफ है जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं है तो सॉफ्टवेयर बिठा के करेगा क्या, अपने पास वो क्वालिटी के कंप्यूटर्स ही नहीं, अपन चला रहे अभी भी विंडोज 2000 वाला सॉफ्टवेयर, अभी भी वही रन कर रहे विंडोज का, विंडोज 8.1 आ गया, 10 आ गया, अपन क्या कर रहे हैं, वो पुराना 2000 वाला चला रहे जो 18 साल पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, अगर अपन वो चला रहे तो तेरा कंप्यूटर फिर वो सॉफ्टवेयर शायद सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप लोग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कंप्यूटर का आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा कंपनी का, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट आर द कंसीडरेशन ऑफ फैक्टर्स वी केप्ट इन माइंड बिफोर यूजिंग कैट, इसका क्वेश्चन का मतलब समझा, सिंपल। सेकंड में देख क्या लिखा है, सेकंड लिखा यहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स यूजिंग कैट, मिला यहां पे इजी, बाजू में क्या लिखते हैं यहां पे व्हाइल यूजिंग कैट, बाजू में क्या लिखते हैं ब्रैकेट में व्हाइल यूजिंग कैट, तो एज एन ऑडिटर मैं क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करूंगा अगर मैं ये ऑडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, तो सिंपल है। थर्ड, प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द ऑडिटर टू कंट्रोल कैट्स एप्लीकेशन में इंक्लूड, अभी सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूं दोस्त, ये मेरा कैट का सॉफ्टवेयर बरोबर चलना चाहिए, इसमें कंट्रोल्स बरोबर है या नहीं है ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा कैट का सॉफ्टवेयर बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा। देखा लिखा, प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द ऑडिटर टू कंट्रोल कैट्स एप्लीकेशन, लाइक ना कंट्रोल्स कैट एप्लीकेशन, सर्कल द वर्ड कैट अगेन, अगेन कैट के ऊपर ये आएगा तेरा यहां पे, प्रोसीजर्स टू कंट्रोल कैट। अभी खाली ना क्वेश्चन को समझा, ये मैं क्यों करा रहा हूं एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आंसर में आने के पहले, ताकि आपको समझ में आएगी कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन टेल मी, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर्स व्हाइल यूजिंग कैट एंड दिस इज प्रोसीजर्स टू कंट्रोल कैट, इज देयर एनी डिफरेंस और इट्स द सेम डिफरेंस, हाउ इज इट डिफरेंट, पहले का मतलब क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स व्हाइल यूजिंग कैट, मतलब क्या, मैं कैट को चेक कर रहा हूं क्या, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं कैट को यूज करके मेरा काम कर रहा हूं मैं ऑडिट का, जैसे सैम्पलिंग करना है तो यूज कर रहा हूं मैं उसको। सेकेंड क्वेश्चन जो क्या है, प्रोसीजर्स टू कंट्रोल कैट, मतलब क्या, मैं देखूंगा कि कैट का सॉफ्टवेयर मेरे को सही डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इसमें अपन इंटरेस्ट में किसको कर रहे हैं, कैट टूल को, क्या कर रहे हैं अपन, कैट टूल को, समझ में आ रहा है, तो समझ में आएगा कि वो बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे अगर मैंने फिल्टर डाला वो 1 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन का, तो मैं देख रहा हूं यहां पर वो सारे 1 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन को ही दिखा रहा है पक्का, या फिर कुछ ब्रांचेस छूट रहे गलती से, तो इसका कुछ ब्रांचेस छूट रहे, इसका क्या कंट्रोल बरोबर नहीं है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जनरली एग्जाम में वो पूछते हैं ना स्टूडेंट, ये लिखते हैं ये पूछते तो वो लिखते हैं, कौन सा वर्ड अटका था पता है वहां पे, द वर्ड प्रोसीजर, अपन देखते प्रोसीजर, अपन देखते कैट, अपने लगता है अच्छा यही आंसर रहेगा, अपन लिख देते हैं बिकॉज पीएम में दोनों है, तो अपने जो भी एक सूझा अपन लिख देते हैं, तो मिस्टेक होता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो मीनिंग समझना, एक है कैट को चेक करना, दूसरा होता है कैट यूज करके ऑडिट का काम करना, सिंपल है यहाँ पे, सिंपल। आगे देखते क्या लिखा, ओके नाउ कम टू, एक मिनट, नाउ फोर इस कम टू द लास्ट लास्ट आंसर, ऑडिट सॉफ्टवेयर करके लिखा रहेगा, इजी वहां पे लिखा रहेगा ऑडिट सॉफ्टवेयर, दैट ऑडिट सॉफ्टवेयर में कम टू दैट फर्स्ट पैराग्राफ विच इज देयर ओवर पॉइंट नंबर वन, यू विल सी अ लाइन देयर इन दैट फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स कॉमनली यूज्ड, अनलाइक मिला तुम लोगों को ये, अनलाइक अनदर प्रोग्राम कॉमनली यूज्ड, तो कैट के कौन से प्रोग्राम जो कॉमनली यूज होते हैं उसके प्रकार क्या क्या है। अभी कैट का तेरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ये चार केस में से आएगा, इसके अलावा कैट के ऊपर नहीं आएगा, तो एग्जाम में तेरे को कैट दिख गया ना, समझ आने का कि ये चार में से एक पूछा है, और सब हलवे, एक है कैट यूज करने के पहले क्या होना चाहिए, दूसरा कैट यूज
कैसे कर सकता हूं मैं ऑडिट प्रोसीजर के लिए, तीसरा प्रोसीजर टू कंट्रोल कैट, बाकी कैट के क्या क्या प्रकार, सिंपल है। तो कैट आएगा तो ये चार में से आएगा, इसके बाहर आने का चांस ही नहीं है, सिंपल यहां पे, ठीक है। अभी आराम से एक को टैकल करते हैं, अभी हो गया तेरा, ये हो गया मैक्रो, अभी देखते हैं माइक्रो, एक एक आंसर को डाइव इन करके देखते हैं। आजा कैट पे देख क्या लिखा यहां पे, कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन यूजिंग कैट। अभी लॉजिक लगा, तेरे को अगर एक भारी सॉफ्टवेयर बिठाने का, 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बिठाने का, तो अपने पास क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर बिठाने के लिए? दो दो पॉइंट में बता चुका हूं, एक तो है कि अपना सिस्टम उतना अपग्रेड होना चाहिए, दूसरा अपना स्टाफ को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कुछ कॉस्ट एनालिसिस करना चाहिए, वो 1.5 लाख बिठा के अपने को फायदा तो मिले तो सेंस बनेगा, और कुछ, एनीथिंग एल्स दैट यू फील, और कुछ एफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है, 1.5 लाख में तो एफिशिएंसी देगा यार, 1.5 लाख में तो एफिशिएंसी देगा, और कुछ इज इट एक्चुअली फॉर माई यूज, जैसे अगर मैं मैन्युअली यूज, मैन्युअली अगर मैं ऑडिट करता हूं तो मेरा काम मस्त टिक रहा है यार, अगर मेरा मेरा क्लाइंट का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतना कम है कि मैन्युअली मेरा काम आराम से हो रहा है, मैं दो स्टाफ अपॉइंट किया, वो तो 10,000 में काम करते हैं दो इंटर्न्स, ठीक है, तो उन लोग अच्छे से मेरा काम कर रहे हैं और मैं वहां पे सीए उनका चेकिंग सुपरवाइजर मेरा काम हो रहा है, छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं मेरे, अभी जस्ट पूरी दुनिया कैट यूज कर रही है, बड़े बड़े क्लाइंट्स वाले, तो मैंने सोचा कि नहीं यार अपने को भी 1.5 लाख का सॉफ्टवेयर चाहिए चाहिए, मतलब ही नहीं है, बिकॉज तेरा मैनुअल ढंग का काम हो रहा है, यू डोंट नीड सच अ बिग सॉफ्टवेयर टू वर्क, तो मैनुअल एनवायरमेंट अगर अपना ढंग का चल रहा है, इफ द मैनुअल एनवायरमेंट इज प्रैक्टिकेबल देन वी विल नॉट गो फॉर कैट, इफ द मैनुअल एनवायरमेंट इज व्हाट नॉट प्रैक्टिकेबल, काम ज्यादा बढ़ रहा है अपना, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, एरर आ रहा है बहुत ज्यादा, बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए अपने पास, तो अपन कैट के पास जाएंगे, और कुछ इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए सॉफ्टवेयर, बराबर है, तो सॉफ्टवेयर ऐसे खरीदो जो अपने को समझ में आए, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सेम थिंग ऑन सिमिलर लाइंस, नो और कुछ, उसका उसका सेटअप पहले से होना चाहिए, बट कैट आएगा तो मेरे को समझेगा ना पॉलिसी का सेटअप करना है इसके रिलेटेड, ठीक है, जो अपने को कैट बिठा के दे रहा है उसका ट्रेनिंग बराबर होना चाहिए, तो अपने स्टाफ को पता है कि कैसे यूज करना उसको, वेंडर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट बिठा के गया मैंने सॉफ्टवेयर खराब चल रहा है, अब उनको बुलाया बोलते नहीं बिठा दिया ना खत्म तेरा, किसके बीच में वेंडर, हाँ तो उसमें ये मेंटेनेंस वेंटेनेंस कवर रहेगा, ठीक है, सर्विस वाला अग्रीमेंट अगर रहेगा इन दोनों के बीच में तो ठीक है, ठीक है, देखते कैसा आएगा, सर्विस वाला अग्रीमेंट कहां देखा था मैंने पॉइंट एसएलए कहां देखा था उधर तो है, उधर तो है, अरे उधर तो भर भर के 402 में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देखते हैं कौन मिस्टर स्पेक्स, मैनुअल, कौन सा मैनुअल, यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, एम से याद है कि नहीं आ रहा, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा, सब बोल रहे छोड़ना यार, आ जा आ जा इसमें आ जा, तेरा ऐसे दो पॉइंट है, एसएलए एंड सिस्टम ओवरव्यूज, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा, सिस्टम ओवरव्यूज, ठीक है आ जा देखते हैं जेन्युइनली, आ जा क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन यूजिंग कैट, आराम से कर, बहुत सिंपल आंसर है, लेट्स कंप्लीट इट, देख क्या लिखा है दोस्त, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अनलाइन करना दोस्त आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अनलाइन करना आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, इजी, ठीक है, सेकेंड देख क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, इट इज एसेंशियल दैट मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम शैल पोजेस सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द रिजल्ट्स ऑफ कैट, लाइन करना ही है सफिशिएंट नॉलेज एक्सपीरियंस टू प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द रिजल्ट्स ऑफ कैट, अभी ये पूरा मॉड्यूल का मैंने, इनफैक्ट दिस इज मॉड्यूल का नॉट इवन टाइप, इट इज मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट, ऑल दियर स्क्रीनशॉट्स, तो ये तो एग्जैक्ट मॉड्यूल है, क्या बोल रहा है, तो इससे और मॉड्यूल प्योर नहीं हो सकता, तो अगर लिख रहे हो तो ये अगर लाइन आ गया वहां पर कितना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द रिजल्ट्स ऑफ कैट, एक तो तेरा चैप्टर जिसको सो कॉल्ड बोलते हैं लोग मिसेलेनियस, उसका तुम लोग पढ़ा हेड पॉइंट और कंटेंट भी, एग्जामिनर बोलेगा पास, आजा नेक्स्ट, द ऑडिट टीम शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज टू प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द रिजल्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर कैट ऑप्टेड, अनलाइक करना आप नॉलेज टू प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द रिजल्ट्स ऑफ कैट, अनलाइक करना रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट टू यूज द कैट प्लान एग्जीक्यूट एंड यूज द कैट एंड सेकंड इज उसका रिजल्ट्स कैसे यूज करना वो भी आना चाहिए उसको, इजी यहां पर, ओके नहीं से क्या लिखा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैट्स एंड सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड डेटा इन सुटेबल फॉर्मेट, अनलाइन करना दो चीज, सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड डेटा इन सुटेबल फॉर्मेट, अनलाइन करना सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड डेटा इन सुटेबल फॉर्मेट, अभी क्या है कुछ कैट टूल्स है ना उन लोग को डेटा चाहिए इन इवन इन सम फॉन्ट्स ऑल्सो, मतलब क्या उन लोग अगर कोई और फॉन्ट रहेगा तो वो भी नहीं चलेगा, सो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा जो प्योर डेटा है अपना एक्सेल में
उसको पहले फॉन्ट में कन्वर्ट कर और फिर ही वो अपलोड लेगा इसका. तो दैट इज सुटेबल फॉर्मेट वाला पॉइंट. क्लियर है? आगे देख क्या लिखा. द ऑडिटर में प्लान टू यूज अदर कंप्यूटर फैसिलिटीज व्हेन द यूज ऑफ कैट्स ऑन एन एंटिटीज कंप्यूटर इज अनइकोनॉमिकल और इम्प्रैक्टिकल. अनइकोनॉमिकल और इम्प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर्स पैकेज प्रोग्राम एंड द क्या लिखा एंटिटीज कंप्यूटर. सिमिलर दैट प्रॉब्लम शुड नॉट बी देयर. मतलब क्या वो सॉफ्टवेयर एंटिटी कंप्यूटर में अगर चल रहा नहीं है कंपेटेबल ही नहीं है तो अपने को दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर सस्ते के ले जाना पड़ेगा या तो फिर एंटिटी की कंप्यूटर का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा. मतलब द कैपिटल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. ऑनलाइन करना पे सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटी सुटेबल डेटा सुटेबल फॉर्मेट. आगे इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ मैनुअल टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस. ये क्या लिखा है सम ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट बी पॉसिबल टू परफॉर्म मैनुअली बिकॉज दे रिलाय ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग. फॉर एग्जाम्पल एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ डेटा दैट वुड ओवरवेल्म एनी मॉड एनी मैनुअल प्रोसीजर. ओवरवेल्म मतलब इतना डेटा है कि मैनुअली करना इम्पॉसिबल है. वैसे ऑनलाइन करना आप है मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. अपन इसको बोलेंगे मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. तो इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ मैनुअल टेस्ट को विल से मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. बाजू में तो लिख दे मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. वो पॉइंट क्या मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. आगे तेरा फेवरेट पॉइंट इंपैक्ट ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एक्सट्रैक्टिंग अ डेटा. देख क्या लिखा है इट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टाइम इन्वॉल्व्ड इन एप्लीकेशन ऑफ कैट एक्सेट्रा. ऑनलाइन करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अगर वो इंपैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. एफिशिएंसी मतलब काम बेहतर होएगा मेरा इजी माय ऑडिट क्वालिटी विल बी मच बेटर. लास्ट में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम कंस्ट्रेंट्स. ऑनलाइन करना टाइम कंस्ट्रेंट्स. Time constraints in certain data such as transaction details are often kept for a short time and may not be available in machine readable form by the auditor by the time the auditor wants them. अभी इसका मतलब समझा important point है आगे भी अपन देखेंगे इसमें. जो तेरा system में data रहेगा ना तो system में data कुछ ही time के लिए रहेगा. उसमें system में एक procedure called automatic wipeout. Automatic wipeout क्या होता है कल इसका example ले ले. अपना ये जो camera है ना यहाँ पे ये वाला जो पीछे लगा हुआ है वो जो camera है ना उसमें वो हम लोग के ना एक DVR player है उसमें वो store होता और ना आफ्टर एवरी 30 डेज है ना तो जो फर्स्ट डे पे जो हमने रिकॉर्ड किया ना वो 30th डे तक रहेगा. 31st डे पे वो फर्स्ट डे वाला निकल जाएगा और नहीं आएगा. तो ऐसे खाली एक इमेजिन कर ऐसे तो डे वन डे टू डे थ्री ऐसा है और इधर 31st डे आ रहा है ना तो ये फर्स्ट डे वाला डेटा निकल जाएगा. आई विल गेट द डेटा फ्रॉम सेकंड डे टू 31st डे. अगले दिन 32nd डे का डेटा तो रहेगा डे थ्री से लेकर 32nd डे. मतलब क्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई विल गेट डेटा ऑफ ओनली हाउ मेनी डेज 30 डेज इफ आई एम नॉट हैविंग अ बैकअप. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है. कहने का मतलब क्या है अगर अपन कैट टूल यूज कर रहे हैं और अगर सिस्टम में ऑटोमेटिक वाइप आउट रहेगा मतलब क्या बैकअप जो अपन कर रहे हैं ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या ऑडिटर अगर कॉन्करेंट ऑडिट नहीं करेगा ना तो अटकेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर बैकअप नहीं रख रहा ना तो अटकेगा. क्लियर है? मतलब क्या है ऑडिटर अगर 2 महीने के बाद आया और डेटा मांगा और डेटा 30 डेज में वाइप आउट हो जाता है तो ऑडिटर को डेटा मिलेगा नहीं ऑडिटर मिलेगा ही नहीं. देखिए क्या लिखा यहां पे वही लिखा Time constraints in certain data such as transaction details are often kept for a short time and may not be available in machine readable form by the auditor by the time the auditor wants them. Thus, the auditor will need to make arrangements for the retention of data required or may need to alter the timing of the work that requires kya likha yahan pe such data. Jo data wipe out ho sakta hai auditor ko khas ek team ko bhejna padega just so that data wipe out hone ke pehle wo check kar le. Easy yahan pe. You get a very good code there called as times. T-I-M-E-S. फर्स्ट पॉइंट आएगा तेरा पे टाइम कंस्ट्रेंट वाला जो अपने जस्ट रीड किया तो उसको 1 मार्क कर दे टाइम्स का टी. आई से आएगा तेरा पॉइंट नंबर 1 दोस्त आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रहना चाहिए. एम से आएगा दोस्त तेरा जो अपने पॉइंट नंबर 3 में अलग से लिखा मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल. समझो कम टू पॉइंट नंबर 4 उधर आपको मिलेगा वहां पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. लास्ट में मिलेगा तेरे को दोस्त सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटी सुटेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा. क्यों ना जरूरी है टाइम्स इजी. तो तेरा कैट बिठाने के लिए क्या चेक करना चाहिए टाइम चेक करना चाहिए. क्या चेक करना चाहिए अपने को टाइम्स. खाली बोलना आंसर सिंपल है. पहले क्या आएगा टीज है टाइम कंस्ट्रेंट. अपने को देखना पड़ेगा ध्यान से. आई से क्या आएगा आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होना चाहिए स्टाफ के पास. अच्छा तेरा एम से क्या आएगा मैनुअल टेस्ट शुड बी इम्प्रैक्टिकल देन ओनली यू गो फॉर कैट. ठीक है ई से क्या आएगा इट शुड इंपैक्ट दी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. एंड ऐसे क्या आएगा सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड सुटेबल फॉर्मेट डेटा मिलना चाहिए. अगर ये सब रहेगा ना तो मैं कैट बिठाने का सोचूंगा. इजी यहां पर क्लियर है. दिस इज कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स. क्या बोल रहा हूं मैं बिफोर यूजिंग कैट. क्या बिफोर यूजिंग कैट ये क्वेश्चन का मीनिंग समझा एग्जाम में कैसा आएगा तो आराम से. नेक्स्ट क्या लिखा ऑडिट प्रोसीजर्स उधर लिखा दोस्त वहां पे जरा ऑडिट प्रोसीजर्स
यूजिंग कैट, तो अपन कैट यूज करते समय क्या क्या ऑल्ड प्रोसीजर्स ध्यान में रखेंगे उसके बारे में, तो मतलब क्या ये तरह ये वाला आंसर अभी कि व्हाइल यूजिंग द कैट व्हाट ऑल ऑल्ड प्रोसीजर्स विल यू कीप इन माइंड, देखते कैसा आएगा, लेट्स सी। उधर लिखा कैट मे बी यूज्ड इन परफॉर्मिंग वेरियस ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द, क्या लिखा हाँ दोस्त फॉलोइंग, पहले आराम से करना, तुम्हें सब पता है तेरे को, पहले तो क्या लिखा टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब क्या, ये रुका रुका बहुत टेंशन आ रहा है, बोल जीरो से लेकर 100% अपन चेक नहीं करेंगे, अपन कहां तक रुकते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, व्हाई बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, अपन पहले क्या करेंगे केओसीबी, माने क्या करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, माने करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स, अरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक और नाम कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल का एक और नाम नहीं, अपन करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसका दो पार्ट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब बेसिकली अपन वी आर डूइंग द assertions का, we are asserting regarding what, T A and D, T is what transaction, A is what account balance, D is what disclosures, yaad hai clear ekdam pakka, acha ye kya likha hai, to test of details mein kya likha hai, test of details solve karna, test of details of transaction and balances, kya likha transaction and balance, disclosure ka to apan checking nahi kar sakte computer mein, numerical nahi hai mostly, for example the use of audit software for recalculating interest or the extraction of invoices over a certain value from the computer records, so what you can do use it for is टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सर करना टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इजी क्लियर एकदम आ गया। एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज और क्या लिखा है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, सर कहते एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अरे एनालिटिकल प्रोसीजर्स स्टैंड नंबर क्या, बाजू में लिखते 520, बाजू में लिखते 520, आगे देते इसके लिए इजी, आगे देखते क्या लिखा, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स, अगर नाम पे जनरल कंट्रोल्स जहां पे डेटा स्टोर होता है उसके लिए जनरल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग द सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर बरोबर चलना चाहिए उसके लिए, और एक्सेस प्रोसीजर्स टू प्रोग्राम लाइब्रेरी, किसको एक्सेस मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए वो प्रोसीजर्स, आगे लिखा और बाय यूजिंग कोड कंपैरिजन सॉफ्टवेयर टू चेक दैट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इन यूज इज अ वर्जन अप्रूव बाय द मैनेजमेंट, सो दैट यू आर नॉट यूजिंग अ बैकडेटेड सॉफ्टवेयर, अपन यूज कर रहे मोस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर, क्लियर है, तो ये सब तेरे क्या हो जाएंगे यहां पे टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स। नेक्स्ट लिखा क्या लिखा, देखो आता है ये क्या लिखा है सैंपलिंग प्रोग्राम्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर ऑडिट टेस्टिंग, अलग है ना सैंपलिंग प्रोग्राम्स, लिखना ऐसे नंबर 530, ऐसे 530, ऐसे 530, इजी। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, चैप्टर 3 करके इसका मैं उसमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स करके एक पार्ट है, हाँ जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री इन बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स एंड डेटाबेस कंट्रोल्स, ऐसे करके तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल, तो बेसिकली कंट्रोल दैट आर टेकिंग केयर ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज बाउंड्री एज वेल एज द ट्रांसमिशन, मतलब तेरा कम्युनिकेशन बेसिकली, ठीक है सेल करना अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ठीक है जिनका इसका हो गया सब बोल रहे हैं, हाँ जिनका इनका बात किया और ये सब है क्या, नहीं तो क्या लिखा रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम, सर करना रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, सर करना रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, सिंपल है, देख क्या बोल रहा हूं यहां पे, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड डिटेल्स, क्या बोल रहा, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड डिटेल्स, ठीक है टेस्ट ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं जनरल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इजी यहां तक, अच्छा अभी सुना नेक्स्ट जो लिख रहा हूं देखो आना चाहिए बिकॉज मैं स्टैंडर्ड्स हो चुका है 520 530, मतलब क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड ऑडिट सैंपलिंग, क्लियर है यहां पे, एंड लास्ट में क्या लिख देने का तेरा रीपरफॉर्मिंग, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, इजी सिंपल, ये अगर रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन पॉसिबल है तो मैं कौन से टाइप ऑफ चेकिंग के लिए जाऊंगा, अगर रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन पॉसिबल है तो मैं कौन से टाइप ऑफ चेकिंग के लिए जाऊंगा, सिलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स 100% चेकिंग, क्या बोल रहा हूं मैं 100% चेकिंग, कौन से चार्ट में देखा था अपन ने 500 ऑडिट एविडेंस 500 में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का आंसर, ठीक है अच्छा, टेस्ट ऑफ जीएडी 520 530 एंड रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, टेस्ट ऑफ जीएडी सिंपल है,
सिंपल आराम से बोलना, पहले क्या करें, टेस्ट ऑफ जेट ऑफ जनरल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली इज व्हाट ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस, बराबर है कि नहीं है। अब हमारा तेरा नेक्स्ट आएगा दोस्त 520 एडिकल प्रोजेक्ट, 530 सैम्पलिंग ऑडिट सैम्पलिंग एंड लास्ट में तेरा आएगा हमें रीपरफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। ये सब एरियाज में मैं कैट टूल को यूज कर सकता हूं मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स में। सिंपल यहां पे क्लियर है, एकदम पक्का फंडा क्लियर, मतलब क्या मेरा ऑडिट का काम है, देखो कैट टूल का सपोर्ट मिल रहा है तो मैं इससे क्या डेटा लेके मैं यूज कर सकता हूं। तो इन व्हाट ऑल एरियाज कैन आई यूज, आई कैन यूज इन, मेरे साथ रिपीट करना, पहले क्या बोल रहा हूं, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट सैम्पलिंग एंड रीपरफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस। वेरी इजी सिंपल है यहां तक क्लियर है। व्हाट आर द कंसीडरेशंस दैट यू विल कीप इन माइंड बिफोर इंप्लीमेंटिंग कैट, टाइम, टी से क्या आएगा, टाइम कंस्ट्रेंट्स, अच्छा वन आई से आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, एम से क्या आएगा, मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल, अच्छा वन में क्या आएगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड लास्ट में क्या आएगा, इससे सूटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड सूटेबल डेटा फॉर्मेट। सिंपल है यहां तक ठीक है, ये दो आंसर अपन ने किया। आगे आ जाए नेक्स्ट में, प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द ऑडिटर टू कंट्रोल कैट्स एप्लीकेशन में इंक्लूड, क्या लिखा दोस्त, प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द ऑडिटर टू कंट्रोल कैट्स एप्लीकेशन में इंक्लूड। अभी एक तेरा सॉफ्टवेयर बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको एज एन ऑडिटर मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं कि ये बरोबर एग्जैक्टली मुझे जो आउटपुट चाहिए ना वो दे। यू अंडरस्टैंड डिफिकल्टी, यार डेटा है क्लाइंट के सिस्टम में तो सॉफ्टवेयर बिठेगा क्लाइंट के सिस्टम में और ऑडिटर आ रहा है वहां पर चेकिंग करने के लिए, तो अपन ये वो देख रहे हैं कि ऑडिटर जो क्लाइंट के सिस्टम में बैठ के क्लाइंट का डेटा चेक करेगा, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि ऑडिटर ये कंट्रोल कैसे करेगा कि कैट का सॉफ्टवेयर बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है, तेरा क्लाइंट ऑडिटर को खास बोलना चाहिए कि देख हम लोग के पास ये सॉफ्टवेयर है और तू एक बार आके देख ले कि तेरा सॉफ्टवेयर तेरे को डेटा देगा कि नहीं देगा। क्लियर है यहां पे? सो ऑडिटर कंट्रोल कैसे करेगा कि कैट जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रहा है वो बरोबर है या क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं है। तो आराम से समझ पॉइंट्स को, देख क्या लिखा यहां पे, यू टू अंडरस्टैंड ना, सी आईटी इज नॉट डिफिकल्ट, यू टू अंडरस्टैंड एंड डू इट, इफ यू अंडरस्टैंड डू इट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देख क्या लिखा, प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय द ऑडिटर टू कंट्रोल कैट्स एप्लीकेशन में इंक्लूड व्हाट, पहले देख क्या लिखा, पार्टिसिपेटिंग इन द डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कैट्स, अनलाइन करना डिजाइन एंड टेस्टिंग, जब भी तेरा कैट का सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है ना, जब आईटी वाला डिजाइन कर रहा है तो उसके साथ बैठ के बोलने का कि देख मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे ये डेटा चाहिए होना चाहिए, अपन अपना इश्यूज को बताया करना, वैसे कोड करके देखो सॉफ्टवेयर बना के देगा, तो वी हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इफ पॉसिबल इन द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग या डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कैट। इजी यहां पे क्लियर है। अगेन चेकिंग इफ एप्लीकेबल द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू एंश्योर दैट इट कंफर्म्स विद द डिटेल प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सेल करना यहां पे कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम, कोडिंग चेक करना, अगर देखो नॉलेज है कोड का तो अपन वो चेक कर सकता, क्लियर है, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। आगे asking the entity staff to review the operating system instructions to ensure that software will run in the entity's computer installation, sell karna ab hai, entity staff to review the operating system instructions, entity staff to review sell kar, unko ek baar bolenge aap ek baar check karke dekh lo barabar aapka aapka accounting data barabar aa raha hai ki nahi aa raha usme, clear hai? Basically what is the requirement here, the accounting department what data they enter into the system, the cash software should be able to extract the data from that system, jaise agar main tally mein data ja raha hai to tally se data nikalna aana chahiye usko, to the tally mein data nikal ke wo khud process karke mujhe information dena chahiye as an auditor, clear hai? To apan ye dekh rahe ki wo unke staff ko bol rahe ki dekho aapka jo accounting data hai wo properly extract kar pa wo le pa raha hai ya nahi le pa raha, that is why the accounting data will be reviewed by their team, entity staff, samjha rahe kya bol raha hu main, easy aage running the audit software on small test file before running it on the kya likha hai main data file, sell karna hai run it on small test files taki koi data corrupt ho to pehle hi pata chale small data pe small test files, aage checking whether the correct files were used, for example by checking external evidence such as control totals maintained by the user and those files and that those files were complete, sell karna hai correct files were used, correct files use karna chahiye, जैसे गलती से अपने हम लोग को सैलरी का ये देखना है कि ब्रांच अक्रॉस ब्रांचेस सैलरी का फिगर कैसे बढ़ गया, अपन ने गलती से लास्ट ईयर के देने के बदले जो अपन पीरियड ऑफ ऑडिट कर रहे हैं उसके बदले अपन ने उसके पहले साल का दे दिया, देन दैट करेक्ट फाइल्स वर नॉट यूज्ड, इट विल गिव मी रॉन्ग डेटा, तो अपन वो चेक करेंगे। आगे मेंटेनिंग एविडेंस दैट द ऑडिट सॉफ्टवेयर फंक्शनड एज प्लान, अनलाइन करना होगा फंक्शनड एज प्लान, ये सोचा था वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे अपने को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल बाय रिव्यूइंग reviewing output and control information, clear hai? And last mein likha hai, and establishing appropriate security measures to safeguard the server karna pe integrity and confidentiality of the data, jo data bahar nikal raha hai, integrity and confidentiality matlab kya, confidentiality matlab kisi aur ko uska access nahi milna chahiye, integrity matlab koi bhi ho data ke sath manipulate nahi karna chahiye, khilwad nahi karna chahiye, another modification of data should not take place,
इजी सिंपल। अब एक लाइन लिखा लास्ट में, व्हेन यूजिंग अ कैट द ऑडिटर में रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ द एडीटी स्टाफ हु हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इन सच सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर शुड हैव रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एडीटी स्टाफ डिड नॉट इंप्रॉपरली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ द क्या लिखा पे कैट, उन्होंने झोल तो नहीं किया सिस्टम में, इसका अपने को भरोसा रखना चाहिए। इजी यहां पे क्लियर एकदम। अब ये सिंपल तरीके से याद होता है, इसका एक फ्लो है। पहले सोचने का कि अपन एक ऑडिट सॉफ्टवेयर बिठाने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लान कर रहे हैं तो वी शुड बी इन्वॉल्व इन द व्हाट ऑनलाइन पहले करना, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द कैट, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द कैट। अच्छा अपन ने टेस्टिंग के टाइप ना थोड़ा एरर देखा अपन ने, तो अपन उनको बोला कि यार ये कोड हो सके तो चेंज करना, तो वहां पे तेरा आएगा वहां पे कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्या आएगा तेरा कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा अपने हिसाब से सब ठीक है, अपने एनडीटी के स्टाफ बोला भाई एक बार तू भी देख ले कि तेरा सिस्टम बरोबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो एनडीटी स्टाफ विल रिव्यू, क्या एनडीटी स्टाफ विल रिव्यू। अब ये स्टोरी क्या है, आई वाज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग, माने क्या हुआ था कोडिंग के ऊपर मैंने ज्ञान दिया मेरा, उसने क्या किया मान में रिव्यू बाय द एनडीटी स्टाफ, ये हो गया। अच्छा पहले अपन माने क्या करेंगे, विल रन इट ऑन द स्मॉल टेस्ट फाइल्स, क्या करें रन इट ऑन द स्मॉल टेस्ट फाइल्स, वैसे बोलने का रन इट ऑन द स्मॉल टेस्ट फाइल बिफोर रनिंग इट ऑन द मेन डेटा फाइल्स, क्लियर है। अच्छा स्मॉल टेस्ट फाइल पे रन करते समय अपने खाली ध्यान से देखा कि अपन करेक्ट फाइल्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट आएगा वही तेरा करेक्ट फाइल्स वर यूज, क्या बोल रहा हूं मैं करेक्ट फाइल्स वर यूज। अभी है ना तेरे सिस्टम में अपने स्मॉल टेस्ट फाइल रन किया, उसमें अपने करेक्ट फाइल्स डाला और देखा कि कैट टूल कैसा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसने जो डेटा अपने को दिया अपने उसको देखा हाँ जैसे अपने को चाहिए वैसा ही है, मतलब क्या इट फंक्शन एज प्लान, क्या बोल रहा हूं इट फंक्शन एज प्लान, क्लियर है। एंड लास्ट में अपन देख रहे जो डेटा आया है उसको सोचने का, अपने डेटा को लिया प्रिंट आउट निकाला उसका और एक तिजोरी है उसके अंदर रखा और दरा लॉक कर दिया, सोचने का वी मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कैट, ऐसा सोच इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कैट सिंपल है। तो अपन पहले किसमें इन्वॉल्व होते हैं बोल फटाफट बोलना, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग फिर क्या होता कोडिंग, डिजाइन टेस्टिंग माने कोडिंग माने क्या आएगा रिव्यू बाय द एडिटिंग स्टाफ, उसके बाद क्या करेंगे अपन स्मॉल टेस्ट फाइल्स, बाद में क्या आएगा करेक्ट फाइल्स वर यूज, माने क्या फंक्शन डैश प्लान, माने क्या करेंगे अपन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन, एक और बार बोलते हैं आराम से फ्लो है आराम से इसका, पहले क्या आएगा डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग, माने क्या हुआ कोडिंग, माने क्या आएगा रिव्यू बाय द एंटिटीज स्टाफ, माने अपने क्या किया रन इट ऑन स्मॉल टेस्ट फाइल्स, माने क्या आएगा करेक्ट फाइल्स वर यूज, फंक्शन डैश प्लान, डेटा आया क्या रखा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड बी मेंटेन, उधर लिखा ऊपर पॉइंट्स फ्लो करके देयर इज अ सर्टेन फ्लो टू इट, पॉइंट्स फ्लो इसके नीचे मैं छोटा सा खाली लिख रहा हूं यहां पे पीएफ करके समझ जाना पॉइंट्स फ्लो, इजी है कैट के ये तीन आंसर हो गए ठीक है। पहला आंसर क्या बोलता कैट बिठाने के पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या था इसका आंसर टाइम्स, तो क्या व्हाट ऑल विल यू थिंक ऑफ बिफोर इंप्लीमेंटिंग कैट टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब क्या अगर उसका कंटेंट क्या आएगा इसमें। अच्छा ये सब है ना आंसर तेरे पीएम के है, पीएम में है काफी आंसर, कैट का बहुत अच्छा ये सीआईएस का बहुत अच्छा कवरेज है पीएम में, तो सब स्टूडेंट्स एक तो हेडपॉइंट लिखेंगे वो मैं लिख के बोलता हूँ ठीक है। बहुत स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट आई सीन की जो मैकेनिकली काम करते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन में ये तीन चार वर्ड दिख गया मतलब ये आंसर है, ये तीन चार वर्ड दिखे तो ये आंसर है, वैसे करके जैसे अपन भी काम करते कभी कभी, तो अगर ऐसा अगर रहेगा ना तो वो हेडपॉइंट तो सब लोग लिखेंगे, मैटर क्या करेगा तेरा कंटेंट, और कंटेंट में तेरे की वर्ड अगर अनलाइन हो गया ना तो तेरा आंसर बाहर आ जाएगा ठीक है, इट विल स्टैंड आउट। बोल पहले क्या आएगा तेरा वहां पर टाइम कंस्ट्रेंट, माने क्या आएगा इसे आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, एम से क्या आएगा मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकल, ई से क्या आएगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एन से क्या आएगा सुटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड सुटेबल डेटा फॉर्मेट, सुपर। अच्छा नेक्स्ट आएगा तेरा अबे एज एन ऑडिटर हाउ विल आई यूज कैट फॉर माय ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ जीएडी, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल नथिंग मींस नथिंग बट ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस इन दिस केस। अच्छा तेरा नेक्स्ट आएगा उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स माने 530 ऑडिट सैम्पलिंग एंड लास्ट में क्या आएगा रीपरफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। अच्छा मेरे को ये बताना कि व्हाट प्रोसीजर विल यू कीप इन माइंड टू कंट्रोल कैट कि कैट बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अपन क्या क्या करेंगे अपन विल बी गेट इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड द टेस्टिंग ऑफ कैट, बाद में कोडिंग में अगर कोई सजेशन रहेगा तो अपन देंगे, बाद में क्या करेंगे रिव्यू बाय द एनडीटी स्टाफ बोलेंगे, बाद में क्या आएगा रन योर स्मॉल टेस्ट फाइल यूज द करेक्ट फाइल, बाद में क्या आएगा फंक्शन डैश प्लान्ड, लास्ट में क्या आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड बी मेंटेन। यहां तक सेट एकदम क्लियर है। अभी तेरे क्या क्या प्रकार के कैट है वो देखते हैं, कम टू द लास्ट आंसर। क्या लिखा
cats allow the auditors, we are doing audit software, cats allow the auditor to give access to data without dependence on the client, test and test the reliability of client software and perform audit tests more efficiently. Cats may consist of package programs, purpose written programs, utility programs or system management program. A brief description of the programs commonly used is given below. To niche diya hua, dekhte kya likha pehle. Udhar likha hai package programs. Any example of package program that comes to your mind? Tally or Excel. ठीक है, kind of a package program. ठीक है, package program है generalized computer program. लेकिन ना generalized computer program. ये specifically नहीं करता, ये हर organization use कर सकता. Generalized computer programs designed to perform data processing functions such as reading data, selecting and analyzing information, performing calculations, creating data files and reporting in a format specified by the क्या लिखा है दोस्त auditor. Simple है यहाँ पे, easy. तो packaged है, तो automatically everything is coded. हर चीज coded है. क्या-क्या काम करेगा वो coded. क्या-क्या उसमें उधर लिखा है वहाँ पे सीधा काम उसका. Analyzing information, code जैसे करेगा, जैसे code किया वैसे करेगा. Performing calculation, creating data files, reporting in a format. All this Excel के standard functions है. ठीक है, आगे. Purpose written programs. Any idea what is purpose written programs? App which is customized. क्या बोला? Which is customized. तो अगर ये customized कर रहा बन, तो specific CAD tool which an organization has asked a developer to make कि मेरा organization के लिए बना. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक inventory management के लिए उन लोग का एक specific उनका एक tool है. There is a DBMS just for inventory management because there are so many products. Unka product ka variation alag hai. So they have made it, got it developed from a developer. Clear hai? Teri kya likha hai? Purpose written programs perform audit tasks in specific circumstances. Unlike an audit task in specific circumstances. These programs may be developed by the auditor, the entity being audited or an outside programmer hired by the auditor. Abhi kabhi kabhi ye bahut hota hai ki kuch kuch auditors kya karte hai? कैट टूल उन लोग खुद ही खुद का डिजाइन कर लेता. तो उन लोग जो क्लाइंट का ऑडिट करने जाए तो क्लाइंट का टेंशन ही नहीं है. देखते कि कंपैटिबिलिटी हर हर सिस्टम में होना चाहिए. उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ ना ये हमारा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने दो, खत्म. इससे क्या होता है, क्लाइंट को टेंशन नहीं है कि ऑडिटर को प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग में जरूरत नहीं है, तेरा एनडीटी के साथ को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है. सब काम क्या करेगा तेरा ऑडिटर ही करेगा, जाके खाली इंस्टॉल कर देगा सॉफ्टवेयर. दैट इज दिस. देखा लिखा है, एनडीटी बींग ऑडिटेड बाय और एन आउटसाइड प्रोग्रामर हायर्ड बाय द ऑडिटर. In some cases, the auditor may use the entity's existing programs in their original or modified state because it may be more efficient than developing kya likha hai, independent programs. Online ka naam hai purpose written programs. Matlab kya? Ye to example likhte hain specific CAD tools. These are specific CAD tools. Upar mein jo example likhte hain, example Tally, Excel. Write these examples. It helps for you to understand what it is actually. Tally, Excel, package programs ke liye. For purpose written, please write specific CAD tools. तेरे बिग फोर्स के एक एक कैट टूल रहता. एवरी बिग फोर हैज ईच ऑफ द बिग फोर्स हैव देयर ओन कैट टूल व्हिच दे यूज फॉर एनालाइजिंग द डेटा. दैट इज दिस. आगे लिखा है यूटिलिटी प्रोग्राम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स? यूटिलिटी प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है? मतलब क्या, इसका मेन काम तेरा ऑडिटर को हेल्प करने का नहीं होता है. इसका मेन काम होता है स्पेसिफिक फंक्शन जो लेकिन ऑडिटर यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एडोब रीडर. देख क्या लिखा, utility programs are used by an entity to perform common data processing functions. Like common data processing functions such as sorting, creating, printing files. Ye sab help karega. These programs are generally not designed for audit purposes and therefore may not contain features such as automatic record counts and kya likha hai control total. Ye sab rahega nahi usme shayad. Example kya hai, Adobe Reader ho sakta hai isme, Adobe Acrobat, ye sab. लास्ट में तेरा, नाउ दिस इज परफेक्ट ईआरपी का एग्जांपल. देखा लिखा, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर एनहांस प्रोडक्टिविटी टूल्स. हमने कहा एनहांस प्रोडक्टिविटी टूल्स मतलब क्या. नाउ ईआरपी क्या होता है कि ईआरपी इज अ बिग सिस्टम जो तेरा परचेज, सेल्स, अकाउंट्स कीपिंग, फाइनेंस, सैलरी पेमेंट, सब सब तू फंक्शन बोलो वो हैंडल करता. वैसा सैप का सिस्टम रहेगा या तेरा ईआरपी का सिस्टम रहेगा. उसमें से ऑडिटर को हेल्प करने का भी एक मॉड्यूल रहेगा जहां पे सारे डेटा को ऑडिटर को हेल्प करने के लिए यूज कर सकते. ऑडिटर को हेल्प करेगा. That is this. The Kali Kaya system management programs are enhanced productivity tools that are typically part of a sophisticated, high-end, sophisticated operating systems environment. For example, data retrieval software or code comparison software. As with utility programs, these tools are not specifically designed for auditing and their use requires kya likha hai? Additional care. Use require additional care. We can use SAP ka perfect example hai. SAP. Sophisticated. Operating system environment. Easy. They are a commonly used programs. का code लिखे यहाँ पे PUPS करके. PUPS. PUPS. PUPS.
ईजी वो मेरे साथ दोस्त पहले क्या आएगा पैकेज प्रोग्राम्स, यू से क्या आएगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, पी से क्या आएगा पर्पस रिटन प्रोग्राम्स, ऐसे क्या आएगा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। क्लियर है क्या लिखा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, क्या बोला पी से क्या आएगा पैकेज प्रोग्राम्स, यू से क्या आएगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, पी से क्या आएगा पर्पस रिटन प्रोग्राम्स, लास्ट में क्या आएगा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। कैट का तेरा इतने आंसर्स आएंगे, क्लियर है? तो आराम से मीनिंग समझो, मेरे को खाली बोलना। अगर कैट बिठाने के पहले क्या करना चाहिए अपने को, तो खाली पूरा डिवाइस करके खत्म ही कर दें यहाँ पे। पहले कैट बिठाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, टाइम्स, क्या है टीज़र टाइम का शेम, बाद में आईडी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, एम से क्या आएगा मैनुअल टेस्ट आर इम्प्रैक्टिकेबल, ई से क्या आएगा इंपैक्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एन से क्या आएगा सुपीरियर कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड सुटेबल डेटा फॉर्मेट। अच्छा सेकंड आएगा तेरा यूजिंग व्हाट ऑडिट प्रोसेस कैन द ऑडिटर डू बाय यूजिंग कैट, टेस्ट ऑफ जनरल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल 520, एडिक्वेट प्रोसीजर 530, ऑडिट सैमिंग, लास्ट में क्या आएगा रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन, लास्ट में procedures that the auditor should do to ensure that the CAT is run in a controlled manner. Participating in the design and testing. Maane kya karenge apne yahan pe? Coding. Maane kya karenge? Review by the entity staff. Maane kya karenge? A small test file. Maane kya karenge? Correct files are used. Functioned as planned. Confidentiality, integrity should be maintained. Simple hai yahan tak. Acha, what are the commonly used CAT programs? Yeah, CAT softwares. Package programs, utility programs, purpose written programs and system management programs. Clear yahan tak? Easy. Simple ekdam. That completes CAT. Simple hai? CAT mein aayega to itna hi aayega. Clear hai? So now I want you to do one thing. On the first page now where CAT is starting. Theek hai? Now give this heading. Jaise exactly maine yahan pe dikhaya. Ye dekho aise dikh raha hai. Heading dete CAT karke aur fir tum log ka ye char aise arrows aana chahiye. मेक इट नीटर देन वॉट आई हैव मेड एंड अच्छा बाइफर्केशन करके कर स्प्रेड दिखा के क्लियर है अच्छे से बना यार लास्ट पेज खाली है क्या हाँ तो उधर देना कवरेज ऑफ दिस चैप्टर कर लिया हेडिंग कवरेज ऑफ दिस चैप्टर अगर तीन दे देना कैट सीआईएस एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स कैट सीआईएस एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स नहीं वेरी इंपॉर्टेंट अदर मत लिखना वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स क्या बदरी पेपर लेकर ऋषभ कल नहीं आता उसको बदरी पेपर ये तेरा भी कर दे कॉपी देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहां पे सीआईएस पे हैश मार रहा हूं नो स्पेस सो आई एम रिपीटिंग इट डाउन देखते कैसा आएगा सीएस का पहले मतलब समझना अभी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरमेंट तो अभी अपन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द Environment where the software is there, where the auditor is going to do the audit. So, अपन यहाँ पे एक particular software के बारे में बात नहीं कर रहे अभी तक जो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे CAT tool, which is basically will be an auditing software. उसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक. Now we are talking about what? We are talking about the environment, CIS environment. तो पहला इसमें आएगा तेरा manual environment जो अपने वो controls है. तो CIS environment में तेरे अलग अलग प्रकार के control कैसे हो सकते हैं जैसे for example, तेरा Facebook का profile तू ही access कर सकता है इसका उन्होंने कंट्रोल क्या डाला सिंपल एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड करके दे दिया तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक अपन ही एक्सेस कर सकते हैं दैट इज अगेन अ कंट्रोल इस फेसबुक इन रियल एनवायरनमेंट और इन वर्चुअल एनवायरनमेंट या ऑनलाइन वर्ल्ड में ऑनलाइन में क्लियर है यहां पे तो वो एनवायरनमेंट उन्होंने कंट्रोल क्या डाला यहां पे पासवर्ड का और वो पासवर्ड कंट्रोल का एक टेक्निकल नाम क्या है कॉल्ड एज ना एक्सेस कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको यहां पे एक्सेस कंट्रोल कौन एक्सेस करेगा उसके रिलेटेड कंट्रोल सिंपल है यहां पे वैसे अपन देख रहे हैं यहां पे सीएस एनवायरनमेंट में व्हाट आर द टाइप्स
ऑफ कंट्रोल, क्या हो रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, इजी। इसका एक और आंसर एग्जाम में ऐसे आ चुका है, व्हाट आर द मेजर क्लॉजेस ऑफ कंट्रोल, क्या हो रहा है, मेजर क्लॉजेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पहले अपन यहां सर्विस सीख रहे कि तेरे अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स क्या क्या है सीआईएस में। सेकंड देखेंगे कि तेरा ये जो कंट्रोल्स है जिसका हम बात कर रहे हैं यहां पे, इसका ये मजबूत है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो हाउ विल यू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट कंट्रोल्स, देखो यहां पे पेज नंबर 2 पे मिलेगा, देखो आंसर का हेडिंग देख क्या लिखा, विल गो बाय द आंसर हेडिंग, सी बिकॉज़ इट्स आईटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, अदरवाइज यू विल गो फॉर द रॉन्ग आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। देख क्या लिखा, व्हाट आर द मेजर टाइप्स और क्लॉज ऑफ कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरनमेंट दैट यू ऑल्टर शैल इवैल्यूएट, ऑनलाइन करना है मेजर टाइप्स और क्लॉज ऑफ कंट्रोल, पेज नंबर 2 पे। नीचे लिखा है व्हाट आर द ऑल्ट प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स, मिला देखो ये, अलग अलग रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स, हाउ यू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स इन सीआईएस एनवायरनमेंट, क्लियर, समझ आ सर। आगे बोल, सीआईएस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है क्या, कैन देयर बी प्रॉब्लम्स, और यू थिंक कंप्यूटर है तो जबरदस्त मक्खन आ सकता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये एक आंसर है, ये मस्ट टाइम पास आंसर है, ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम समझे अपन, अच्छा अभी अपन देखेंगे तो अपन क्या क्या आईटी एनवायरनमेंट में क्या क्या रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट ऑल रोल्स कैन यू क्रिएट सो दैट यू कैन फेस दिस प्रॉब्लम, क्या होता है, यू कैन फेस दिस प्रॉब्लम। तो अपन क्या देख रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स कैन पीपल प्ले, डिफरेंट रोल्स इन सीआईएस, क्या हो रहा, डिफरेंट रोल्स इन सीआईएस, क्लियर है, थोड़ा अपना ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाए, अपन जब आंसर करेंगे तो समझाऊंगी कैसे ये काम करेगा, क्लियर है। तो यू कैन सी देयर ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज यू कैन सी एन आंसर कॉल्ड एज प्रॉब्लम्स इन सीआईएस एनवायरनमेंट इन इंप्लीमेंटिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मेरा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम लेकिन इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, ऑनलाइन सर्कल और प्रॉब्लम्स इन सीआईएस एनवायरनमेंट, दिस आंसर इज देयर इन हिज कॉल, सो वी विल सी। ठीक है, बाहुबली बल्लाल देव वाला स्टोरी आएगा, क्या लिखा, नहीं जाएगा डिफरेंट रोल्स और ड्यूटीज इन, क्या लिखा है, लार्ज सीआईएस सॉल्यूशन, लाइक यहां पे डिफरेंट रोल्स और ड्यूटीज, इजी। एंड लास्ट में तेरा था यहां पे तेरा समथिंग कॉल्ड एज अप्रोचेस, दैट इज और अप्रोचेस इन सीआईएस, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस, अगेन इन इसका आंसर ब्लैक बॉक्स अप्रोच, व्हाइट बॉक्स अप्रोच, वो सब आएगा, देखते कैसे आएगा, इजी यहां पे देखता, लेट्स डू इट। देख क्या लिखा यहां पे, What are the major types or clauses of controls? In क्या लिखा है? CIS environment या the auditor shall क्या लिखा है? Evaluate. आराम से कर दे क्या लिखा? The reliability of component is a function of control that acts on the component in a computer system. The following are the major types of controls that are used to enhance component reliability, which the auditor must evaluate. So what are the various types of controls? देखते पहले. Points कितने? 10. अब नोट लिखना कितना है? 10. देख क्या लिखा पहले. उधर लिखा पहले ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, क्या लिखा पे, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, देखा लिखा, दे आर एक्सरसाइज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर और प्रोसेस इन्वॉल्वड इन अ सिस्टम, पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल तुम लोग यूज करते रहेंगे फॉर श्योर फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस, कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, एटीएम में, बरोबर है, एटीएम में वेन यू पुट योर पिन, नो दैट इज बेसिकली योर ऑथेंटिकेटिंग दैट इट इज योर कार्ड ओनली जो अपन अंदर डाला, क्लियर है, अनलाइक अन ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, खाली बाजू में खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिखना एग्जांपल, लिखना आप यूजिंग पिन इन एटीएम। ठीक है, तो अगर मेरा सीआईएस सिस्टम ऐसा है, सारे सिस्टम ऐसा है कि जब तक वो आदमी ऑथेंटिकेट नहीं करता वो कंप्यूटर में आगे बढ़ नहीं सकता, तो इट्स अ गुड कंट्रोल टू हैव, मतलब मेरे जो ऑथराइज यूजर थे वो एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्यूरेसी कंट्रोल, मतलब क्या, उसका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इतना मस्त चल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोसेसिंग इतना उन्होंने कोड इस तरीके से किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आएगा वो क्या रहेगा, एक्यूरेट, दैट इज अ बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा एज एन ऑडिटर की अच्छा कंट्रोल एक्यूरेट है, मतलब क्या, जो भी डेटा इनपुट दिया उन्होंने उसका आउटपुट बरोबर आने वाला है 100%। क्या लिखा है, एक्यूरेसी कंट्रोल, दीज अटेम्प्ट्स टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द डेटा एंड प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ऑनलाइन करना करेक्टनेस ऑफ डेटा। Easy यहाँ पे करेक्टनेस ऑफ डेटा, सिंपल आ गया। थर्ड लिखा वहां पे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, उधर लिखा है ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट ट्रेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस, अरे ट्रांजेक्शन का क्रोनोलॉजी, ऑर्डर में अपने को ऑर्डर मिला कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट इज ऑडिट ट्रेल। देखा लिखा, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, दिस इंश्योर द ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, मतलब ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, अगर वो भी रहेगा तो अच्छी बात है ऑडिटर के लिए।
नेक्स्ट लिखा एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल, मेरा एसेट डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, देखा लिखा एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल टू इंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज विद इन द सिस्टम आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, और क्या लिखा करप्शन, एंटीवायरस होना चाहिए, दैट इज एसेट सेफगार्डिंग। डेटा इज द मोस्ट क्रूशियल एसेट, मोस्ट क्रूशियल इन टुडेज़ टाइम्स। तो मेरा एसेट सेफगार्डेड है या नहीं है, एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल्स। There was this interview of Mukesh Ambani, which I had seen about 3 or 4 months back. I think it was on Republic or some other channel he had come. And where he specified so much on the word data. He itna rely kiya hoga bhi interview mein, dekho sunne like interview hai, unka jo vision hai alag hi level ka, matlab he is thinking easily 30 years down the line, matlab abhi ka soch rahi nahi hai, 30 years down the line ki data kitna crucial rahega aage chal ke. To bolte everything is data now, because agar aapko data mil gaya na रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो यू कैन इन टूडेज ऑनलाइन बिजनेस यू कैन कार्व इट इन टू एनी बिजनेस, आराम से कोई भी बिजनेस रन कर सकता है अगर आपका डेटा है तो, वैसे करके दैट इज दिस डेटा, दैट इज नथिंग बट एसेट सेफगार्डिंग। डेटा क्या है, वो क्रूशियल एलिमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, मैं बोलता हूँ उसका क्रोर्स में कीमत रहेगा। क्या लिखा है, दिस इज दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ करप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ करप्शन ऑफ डेटा, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज बेसिकली योर एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल्स। वैसा नहीं लिखा रिडंडेंसी कंट्रोल्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिडंडेंसी कंट्रोल, रिडंडेंट मतलब क्या, व्हाट इज डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिडंडेंट, बार बार, तो बार बार होना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है। तो रिडंडेंसी कंट्रोल मतलब क्या, वो ट्रांजेक्शन एक बार हो गया ना तो दूसरी बार डुप्लीकेट होने के टाइम पे वो ऑल्टर को अरे इसका बेस्ट एग्जांपल, मोस्ट सिंपल एग्जांपल है, अगर तेरे डेस्कटॉप में फाइल ऑलरेडी सेव्ड है विथ कैपिटल ए बी सी, और तुम अगर एक और फाइल सेव करने आ रहे हो इन द सेम फॉर्मेट विथ कैपिटल ए बी सी, तेरा पीसी क्या बोलता है, डू वॉन्ट टू मूव एंड रिप्लेस, वैसे तेरे को ऑप्शन पूछेगा। ये क्यों बताया, बिकॉज इट इज रिडंडेंसी कंट्रोल, कि जो भी अगर सेम फाइल दो बार अगर आएगा ना तो देखो पूछेगा कि देखो कौन सा फाइल चाहिए या दोनों चाहिए, वैसे करके वही है अगर रिडंडेंसी कंट्रोल। इट इंश्योर्स दैट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन, क्या लिखा है, ओनली वंस, ओनली वंस। ऑफ कोर्स इन टुडेज़ टाइम्स विद फेसबुक एंड एवरीथिंग यू हैव व्हाट, प्राइवेसी कंट्रोल्स, देखा लिखा प्राइवेसी कंट्रोल्स, इट इंश्योर, दिस इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इनएडवर्टेंट और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, हैकिंग वैकिंग से बचने के लिए। Easy privacy controls. Next लिखा है existence control. What do you understand existence control? देखा लिखा, it attempts to ensure that the ongoing availability of all system resources. अलग कहना है ongoing availability, सारे system मेरे मस्त चल रहे। That is called existence. They are in existence and working properly. Yes sir. आगे effectiveness. It attempts to ensure that system achieves its goals. अलग कहना achieves its goals. नीचे तेरा फेवरेट पॉइंट है, एफिशिएंसी कंट्रोल, इट अटेम्प्ट्स टू एंश्योर दैट द सिस्टम यूजेस अनलाइक यूजेस मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स, मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स। अगर अपन भागा और अपने बाजू में उसे बोल्ट भागा और अपने को पहुंचना 100 मीटर की रेस में, आर बोथ इफेक्टिव भाग सकते हैं ना तुम लोग, क्या उसमें क्या है, मैं बोल रहा हूं आर बोथ इफेक्टिव, बहुत आर इफेक्ट, आर यू अचीविंग योर गोल, लिखा अचीव इट्स गोल्स, अपने को वो फिनिश लाइन क्रॉस करने का था, अपन दोनों पहुंचा है क्या, पहुंच अपन क्या है, इतना बुरे नहीं है, अपन भाग सकते हैं, अपन उसमें क्या है, तू 3 सेकंड लेट होगा उसमें क्या है, पहुंच सकते हैं, लेकिन हु इज मोर एफिशिएंट, ही इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ही यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच दैट गोल, क्लियर है, टाइम पास कुछ भी एग्जाम्पल, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम्पल उसेन बोल्ट रन आई रन, ही रीचेस फर्स्ट, सो व्हाट, आई आल्सो रीच फर्स्ट, ऐसे करके नहीं देखा, क्या एफिशिएंसी कंट्रोल, क्या बोल रहा हूं, एफिशिएंसी कंट्रोल। लास्ट में कहता हूं दोस्त, कंप्लीटनेस कंट्रोल, व्हाट इज कंप्लीटनेस, दिस इंश्योर्स दैट नो डेटा इज मिसिंग एंड ऑल प्रोसेसिंग इज कैरीड थ्रू टू इट्स प्रॉपर कंक्लूजन, लाइक कहना है नो डेटा इज मिसिंग, सारी डेटा का प्रोसेसिंग हो चुका है, अपने एक भी डेटा को पीछे छोड़ा नहीं है। ओके, इसका कोड लिखते हैं आप दोस्त, सिंपल कोड है, इजी है, लिख पेको, एक मिनट पेको एस, लिख पेको एज अ रेड एसेट, लिखना पेको एज अ रेड एसेट, कल अपने देखा था पेको करके कुछ देखा था, ठीक है, लिख पेको एज अ रेड एसेट, पेको हैज अ रेड एसेट, पेको हैज अ रेड एसेट, इसे थोड़ा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा दोस्त, पीसे आएगा प्राइवेसी कंट्रोल्स, पीसे क्या आएगा प्राइवेसी कंट्रोल्स, तो उसका पहले कर दे खत्म,
सिर्फ ई से दो सिर्फ तीन आएगा, वो तीनों लाइन है, 7, 8, 9, दैट इज एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल एंड एफिशिएंसी कंट्रोल्स. एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल एंड एफिशिएंसी कंट्रोल, इजी. को से यू विल गेट कंप्लीटनेस कंट्रोल. क्लियर है? तो पहले पेको खत्म करो मेरे साथ, इजी है. बोला 5 पॉइंट क्या क्या कर रहा हूं मैं? प्राइवेसी कंट्रोल, एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल, एफिशिएंसी कंट्रोल एंड कंप्लीटनेस कंट्रोल. वन मोर टाइम प्लीज. पहले क्या आएगा? प्राइवेसी कंट्रोल, एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल, एफिशिएंसी कंट्रोल एंड कंप्लीटनेस कंट्रोल. अच्छा, हैज से कुछ नहीं है, अ से तेरा तीन आएगा दोस्तों, वहां पे लिखा है ऊपर से. यू विल गेट फर्स्ट पॉइंट 1, 2, 3 यू विल गेट ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. क्या मिलेगा? ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. ठीक है, जनरली व्हेन आई आस्क दिस आंसर स्टूडेंट का, ये ए वाले पॉइंट में एक या दो मिस हो जाता है, सो बी वेरी केयरफुल. क्या बोल रहा हूं मैं, ये मेरा का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. देख क्या लिखा है, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. यहां तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ गया था रेड से. रेड से इजी है रिडंडेंसी कंट्रोल एंड एसेट, तो सबसे इजी है एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल्स. तो लास्ट पॉइंट इजी, यू हैव टू बी फोकस ऑन ए क्यूब, वो तेरा एक है. बोल पी से क्या आएगा? प्राइवेसी कंट्रोल. ई से क्या आएगा? एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल एंड एफिशिएंसी कंट्रोल. को से क्या आएगा? कंप्लीटनेस कंट्रोल. अच्छा, हैज अ क्यूब, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. अच्छा, रेड से रिडंडेंसी कंट्रोल, लास्ट में एसेट से एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल्स. इजी, क्लियर यहां तक? पक्का? नो इश्यूज? देखते हैं. नेक्स्ट आएगा, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स. क्या लिखा यहां पे? व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स. आराम से स्लोली करते जाते हैं, ये बहुत सिंपल है. हाउ विल यू एंश्योर दैट द कंट्रोल्स आर रिलायबल. मतलब कि अभी अपने ये सब कंट्रोल्स देखा था, ये पेको एड हैज अ रेड एसेट वाला, ये सारे कंट्रोल्स बरोबर है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है. हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? देख क्या लिखा है, पहले देखते. Ensure that authorized, correct and complete data is made available for processing. Online करना अब है. Authorized, correct, complete data. Select the word is made available for processing. Is made available for processing. तो अभी सुना ध्यान से बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं मैं, और एकदम लॉजिकली समझ इसको. मेरा सिस्टम मतलब क्या होएगा? मेरा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. When I say that, when they are using the word like adjectives like authorized मतलब अप्रूवल के साथ, करेक्ट मतलब सही, कंप्लीट मतलब एक भी चीज मिसिंग नहीं. व्हेन ऑथराइज्ड, करेक्ट, कंप्लीट मेरा डेटा होना चाहिए, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? फॉर व्हाट प्रोसेसिंग. तो इट मींस व्हाट? माय इनपुट शुड बी व्हाट? ऑथराइज्ड, करेक्ट एंड कंप्लीट. क्या बोल रहा हूं मैं? ऑथराइज्ड, करेक्ट एंड कंप्लीट, दैट इज द डेटा वी आर पुटिंग फॉर प्रोसेसिंग. ये समझ में आया आराम से? क्लियर है. सेकंड क्या लिखा दोस्त? एंश्योर दैट द केस ऑफ इंटरप्शन इन द वर्क ऑफ सीआईएस एनवायरमेंट ड्यू टू पावर, मैकेनिकल और प्रोसेसिंग फेलियर failures, the system restart without distorting the completion of the entries and record. Online करना भाई, system restarts. ये पूरी line को online करना. System restarts without distortion. Board पे देखा क्या बोल रहा हूँ मैं? आराम से देखना, समझ इसको अच्छे से. अगर मेरा processing by chance कुछ गलत गया, तो जितना मेरा processing हुआ बरोबर होना चाहिए. मेरा ये हो रहा है अभी फिलहाल के लिए. Sometimes no. इधर से आई पुट अ डेटा इन कंप्रेशन में, तो हियर द फाइल गेट सेव्ड इन 8 GB, 12 GB के फाइल में सेव होता. सो हैव टू कंप्रेस द फाइल, नहीं तो जमाना लग जाएगा अपलोड करने के लिए. सो हैव टू फर्स्ट कंप्रेस द फाइल. वो कंप्रेस के बाद है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें को डाल के ना, उसका जो भी बिट्स एंड पीसेस कुछ कभी कभी करके नॉइस आएगा, वैसे करके. सो हैव टू डू नॉइस कैंसिलेशन का, तो वो सब करना पड़ता है. ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सब स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर ये फाइल मिल सकता है क्या अभी? बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग हैज टू बी डन इसके लिए. तो वो बिहाइंड द वर्क वाला सीन है, तो वो सब नॉइस कैंसिलेशन को थोड़ा करना पड़ता. तभी क्या होता है कि अचानक है ना, ये फाइल का लोड कभी कभी इतना हाई रहता है सिस्टम पे, दैट इज सिस्टम में जस्ट गो ऑफ एंड दैट डजंट हैपन इन दिस कंप्यूटर, दैट हैपन ऑन माय लैपटॉप. तो वो सिस्टम में जस्ट शट डाउन, वो बंद रहेगा फाइल अचानक. नसीब लेकिन अच्छा क्या उसका, यही वाला एग्जैक्ट पॉइंट जो मैं अभी रीड करता था, जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज सिस्टम में वापस चालू करता हूं ना वापस, मतलब व्हेन आई रीस्टार्ट द प्रोग्राम, इट इज एग्जैक्टली वेयर इट गॉट शट डाउन एंड नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. तब लगता है हाँ बंद होना चलेगा, लेकिन तो आवाज काम करेगा, एक घंटे के लिए चलेगा, वैसे करेगा. दैट इज दिस. देख क्या लिखा है, दैट इज नथिंग बट सिस्टम रिस्टार्ट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द फाइल. सो बोर्ड पे देख क्या लिखा है, तो प्रोसेसिंग में कोई रुकावट आया, एंड द सिस्टम शुड रिस्टार्ट, रिस्टार्ट विदाउट वॉट? डिस्टॉर्शन. Without what? Distortion. Easy yahan tak? Clear hai. Okay, come to the next point. Ensure that accuracy and completeness of output. Unlike karna hai accuracy and completeness of what output. So clearly, yahan pe tera output should be what? Accurate and complete.
आउटपुट शुड बी व्हाट एक्यूरेट एंड कंप्लीट. इजी. तो एक तरह आंसर हो गया इनपुट शुड बी ऑथराइज्ड कंप्लीट एंड करेक्ट, आउटपुट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट. जो अपन देख रहे हैं वो बराबर होना चाहिए. तो आउटपुट का पॉइंट इज डन. ओके कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देख क्या लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर फोर, एंश्योर दैट, सॉरी पॉइंट नंबर, डिड वी मिस अ पॉइंट? यस. पॉइंट नंबर टू, प्रोवाइड फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड क्या लिखा है, करेक्शन ऑफ एरर. सो ये वो है प्रोसेसिंग अगर मेरा सही जा रहा है. स्टिल वी नीड टू व्हाट डिटेक्ट द एरर, स्टिल वी नीड टू व्हाट डिटेक्ट द एरर्स, डिटेक्ट द एरर्स. ऑनलाइन करना पे डिटेक्ट द एरर्स, डिटेक्ट द एरर्स, डिटेक्ट एरर्स एंड करेक्ट. क्लियर है. आगे कम टू पॉइंट नंबर फाइव, प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी अगेंस्ट फायर एंड अदर कैलामिटीज, रॉन्ग प्रोसेसिंग, फ्रॉड एक्सेट्रा. ऑनलाइन करना आप है, ऑनलाइन करना आप है. एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी, एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी. Now understand this part very carefully. Huh? My data will not go for processing. Sometimes my data will be stored also. अगर मैं processing, मेरे को output बाद में चाहिए करके, तो मेरे को जैसे अगर मेरा batch एक महीने के बाद चालू हो रहा है, तो I might just make the data all files ready, and फिर बाद में data मेरे computer में stored रहेगा. मेरे को क्योंकि output की जरूरत है, printing देने के लिए अभी क्यों देखूं? मैं देखूंगा कि कितना admission हो रहा है, student आ रहा है, फिर देखूंगा कि कितना print लेने का मेरे को. तो यहाँ पे मेरा ये जो storage में ना, storage में क्या होना चाहिए यहाँ पे, I should provide what? यही this thing, adequate data security. ऑनलाइन करना है एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी, एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी. सेकंड क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट भी कनेक्टेड है सर. प्रिवेंट अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स टू द प्रोग्राम. ऑनलाइन करना अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स टू प्रोग्राम्स. बोल क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं भी, ये अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स अपने कहा देखा था टू सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स. लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा, आईटी रिस्क. क्या बोलो, आईटी रिस्क को याद है डायग्राम? हाँ ट्राई कर बोलने का. लॉस ऑफ डेटा क्या बोलो मैं, लॉस ऑफ, ऐसे नंबर क्या है 315, वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सेकंड पेज, तो अगर लोग फर्स्ट पेज ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे तो है नहीं, रियो फिन्स आई ए ओ आर, और ये तेरा मिसस्टेटमेंट, वेर इज इट? हो जाए अगला पेज, पीछे भी एक पेज है उसका. बोल पहले क्या आएगा तेरा, लॉस ऑफ डेटा. सेकंड क्या आएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द डेटा इन मास्टर फाइल, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स, ऑथराइज्ड यूजर अनेबल टू गेन एक्सेस टू द systems and programs. लास्ट में क्या आएगा, अनइंटरप्टेड मैनुअल इंटरप्शन. क्या अनइंटरप्टेड मैनुअल इंटरवेंशन. क्लियर है यहां पे? इजी. कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, आ जा. याद है ना वो मेमोरी का वो हो रहा है अभी, क्लियर है? तो अच्छे से उसको रिवाइव करना है अपने को. देख क्या लिखा है यहां पे, तो ये हो जाएगा तेरा यहां पे एस. ओके देन आफ्टर दैट लेट्स लुक एट द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रोवाइड फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द सोर्स कोड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा. सोर्स कोड क्या होता है, इनपुट जहां से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड, सोर्स कोड. तो इस सोर्स कोड का क्या करना चाहिए अपने को, सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी, इट शुड बी केप्ट सेफली, एकदम ओरिजिनल जो अपन ने कोडिंग किया था वो. इजी. हाउ विल यू एंश्योर दैट द कंट्रोल्स आर रिलायबल? सिंपल है. पहले यहाँ पे बोर्ड पे लिख देने का इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट. क्या लिखने का, इनपुट प्रोसेस स्टोरेज. और सब पे एक ही पॉइंट है. पहले ना you have to cover from this two here, so your brain will align properly. पहले बोलने का सोर्स कोड should have safe custody, अगर सोर्स कोड का कस्टडी सेफ होना चाहिए तो उसको वन मार्क कर दे वहां पर, सेफ कस्टडी ऑफ द सोर्स कोड, सेफ कस्टडी ऑफ द सोर्स कोड. अच्छा सोर्स कोड से क्या आएगा तेरा यहाँ पे, इनपुट. तो इनपुट क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्यूरेट कंप्लीट करेक्ट. तो ऑनलाइन करना है एक्यूरेट कंप्लीट करेक्ट, उधर इनपुट लिखा नहीं है दोस्त, लेकिन ऐसे लिखा है कि डेटा दैट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग, दैट इज बी इनपुट. तो ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दे वहां पर इनपुट करके, ठीक है. आगे अच्छा नहीं, हम प्रोसेसिंग की और बात करें, प्रोसेसिंग अगर ढंग से चला तो क्या होगा, मेरा डेटा डिटेक्ट एरर्स एंड करेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट दी एरर्स एंड करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. क्लियर है? तो प्रोसेसिंग बराबर हुआ तो, अगर प्रोसेसिंग बाय चांस रुक गया, सो सिस्टम शुड रिस्टार्ट विदाउट, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टॉर्शन. सिस्टम शुड रिस्टार्ट विदाउट, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टॉर्शन. मतलब प्रोसेसिंग उधर से कंटिन्यू होना चाहिए. इजी आता है? तो प्रोसेसिंग के तेरे दो पॉइंट्स. नहीं जाएगा तेरा आउटपुट, आउटपुट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉइंट्स. क्या बोल रहा हूं पहले, क्या कहता है यहाँ पे, accurate and complete. Output should be what? Accurate and complete. Easy यहाँ पे. अच्छा next, अगर अपने को अभी output नहीं चाहिए, क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे? Storage. Storage का देखो दो चीज, एक होना चाहिए, एक
वो करना चाहिए अपन, और एक नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी करना चाहिए अपन, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट टू प्रोग्राम्स होना चाहिए, मतलब आउटसाइड पर्सन आके अमेंड कर रहा है प्रोग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी सिंपल है यहां पे, यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम मच मोर इजियर। क्रोनोलॉजी सेट कर, पहले क्या कहता था यहां पे, सोर्स डेटा, सोर्स डेटा क्या होना चाहिए, शुड बी केप्ट इन सेफ कस्टडी, ठीक है। सेकंड क्या कहता था, इनपुट क्या होना चाहिए, एक्यूरेट कंप्लीट करेक्ट, क्या बोला मैं, एक्यूरेट कंप्लीट करेक्ट। अच्छा तेरा प्रोसेसिंग कैसा होना चाहिए, प्रोसेसिंग बराबर चला तो इट शुड डिटेक्ट द एरर्स एंड करेक्ट इट, एंड करेक्ट इट, यू हैव टू राइट द डिटेक्ट एरर्स एंड करेक्ट, राइट डिटेक्ट एरर्स एंड करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता था, उसके बाद इफ इट इज नॉट रनिंग प्रॉपरली द सिस्टम शुड रीस्टार्ट विदाउट व्हाट डिस्टॉर्शन, आउटपुट शुड बी व्हाट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। अच्छा तेरा जो स्टोरेज रहेगा उसमें एक चीज अपन करना चाहिए, एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी, और एक चीज नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस, सो वी शुड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम्स। इजी सिंपल है, प्लीज मेक द डायग्राम देयर, प्लीज मेक द डायग्राम, हैव द पोस्ट इट आउट्स, डन कर, अच्छे से कॉपी कर ले डायग्राम को, रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स देख दोस्त। अब हमने अभी ये देख रहे हैं प्रॉब्लम्स इन सीएस एनवायरनमेंट, दैट इज दिस प्रॉब्लम्स इन सीएस एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा स्टोरी है, स्टोरी को देख करते हैं आराम से, ये कहना तेरा किंगडम है, किंगडम वाला समझ आता ना, राज्य, ठीक है, साम्राज्य, किंगडम, एक किंगडम है ऐसे, उसका मैप ऐसा दिख रहा है, वो तो किंगडम में ना एक राजा है, वो राजा है ना 50 साल से रूल कर रहा है, 50 साल से, जब से उसका उम्र 18 साल का था तब से, अभी तेरा 68 हो गया उसका, 70 साल से रूल कर रहा है, चल 70 साल से, तो इज नाउ 88, बहुत ओल्ड, क्लियर है। और वो बोलता है यार मेरे को रिटायर होना है यार, मेरे को चिल करना है लाइफ में, तो बहुत हो गया है अभी, तो सब लोग बोल रहे हैं अभी कि अभी तक क्या कर रहा था राजा था तेरी, तो बोले कि अभी मेरे को तो रिलैक्स करने का बहुत, ये इसकी लोगों का प्रजा की बात सुनो, उनका दरबार बैठाओ, ये सब बहुत टेंशन है यार। तो राजा है ना बहुत उसका दिमाग फ्राई हो गया, तो राजा बोलता है मेरे को रिटायर होने का अभी, क्लियर है यहाँ पे। तो राजा बोलता है क्या करने का अभी, कि राजा के पास है ना, राजा ने कहा कि अपने किंगडम को ना दो स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट्स, टू स्टेट्स अदर, तो अपन एक बोलेंगे यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक दूसरा स्टेट है, उसका एक आदमी है ना यहाँ पे एक स्टेट संभाल रहा है, वील कॉल हिम मिस्टर ए, और उसका दूसरा आदमी है ना ये दूसरा स्टेट संभाल रहा है मिस्टर बी, बाहुबली बलालदेव ऐसा करेगा, बट बलालदेव पॉजिटिव रोल ऐसे समझना, तो दोनों इक्वली क्या बोल रहा हूं मैं, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी, दोनों क्या इक्वली कॉम्पिटेंट, तो दोनों को लड़ने बोलेगा ना टाई, और दोनों ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी मतलब राजा बोलेगा ये कर तो लोग कर देगा वैसे करके, मतलब राजा जो बोला वो फाइनल वैसे कर, बहुत मानता है उसको, तो दोनों इक्वली क्या बोलो कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी। अभी राजा को डिसाइड करना है कि इसमें से तेरा कौन अगला राजा बनेगा, बिकॉज को रिटायर होने का, क्लियर है। तो राजा सोचता है कि क्या करना चाहिए, इसका बहुत दिन सोचता है, फिर रानी को पूछा क्या करना चाहिए, तो रानी और राजा डिस्कस करते बोलते हैं कंपटीशन रखते अपन, काम करते अभी तक है ना, ए ने आपको आगे रिकॉर्ड्स दिया है कि अपने मेरे राज्य में, ए के राज्य में ये सब एसेट्स है, और ये सब एसेट्स का वैल्यूएशन इतना इतना है करके ऐसे दिखाया, और बी ने भी सेम किया, बी हैज डन द सेम थिंग, चेक द बी किंगडम का एसेट, बी के एरिया का एसेट्स, और उसका रिकॉर्ड ए को आगे दिया। अभी अपन क्या करेंगे यहां पे, ए को भेजेंगे अपन बी के किंगडम में, और बी को भेजेंगे ए के किंगडम में, और अभी दोनों को है ना उन्होंने जो रिकॉर्ड अमाउंट अपने को करके दिया है, उनको गलती ढूंढना उसमें कि इसने क्या गलत किया अकाउंटिंग में, इसने क्या गलती किया अकाउंटिंग में, और जिसने सबसे ज्यादा गलती ढूंढ के निकाला वो राजा, और जो हारा उसको फांसी, नहीं तो वो तो अपोज करेगा उसको, और दोनों कॉम्पिटेंट है तो वो नहीं बनना चाहिए, तो दूसरे को फांसी, और दोनों को बुलाता है, बोलता है दोनों अग्री करते, दोनों क्या करते अग्री करते, तो ए जाता है कहां पे बी के किंगडम में, बी जाता है यहां पे ए के किंगडम में, ले सब ऐसे सोच रहे जैसे एक्चुअली ऐसे टीवी शो चल रहा है करके, क्या बोल रहा हूं, दोनों एक ही किंगडम में जाता, तो ये क्या करता है जाके बी के किंगडम में आता है, बी के सारे एसेट्स का फिजिकल कंट्रोल लेता, मतलब क्या सारे एसेट्स को एक जगह जमा करता है, फिजिकल कंट्रोल लेता, और इधर कि बी ने रिकॉर्ड क्या क्या दिखा करके, और उसका सब गलती दिखाते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अच्छा इसमें ये अमाउंट गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, सब लिखता है यहां पर, डिप्रिसिएशन नॉट एज पर सब लिखता है, इसे कौन करता है, ए भी करता है, और कौन करता है, बी भी करता है, और दोनों क्या करते हैं, राजा को है ना पूरा 3000 पेज का बुकलेट बनाते दोनों स्पाइरल बाइंडिंग करके, और देते किसको, राजा को, क्या करते हैं यहां पे, राजा को, ठीक है, ठीक है, तो राजा क्या करता है यहां पे, राजा क्या करता है यहां पे, राजा ना अच्छे से गुथरू करता है, अच्छे से गुथरू करता है, देखता अच्छा बरोबर है, गलती है, बरोबर गलती है, अच्छे से गुथरू करा, और पूरा राजा मस्त टाइम निकालता है, 15 दिन इसका, 15 दिन इसको देखता है, आराम से रीड करता है अच्छे से, और लास्ट में आके साइन करता है, लास्ट में आके साइन करता है कि हाँ मैंने जो देखा सब बरोबर देखा करके, वैसे करके,
इसने भी 3000 पेश कर दिया था, सब जो बोला था गलती सब बराबर है, इसने भी 3000 पेश कर दिया था, सब जो गलती था सब बराबर है, मतलब क्या इधर भी तेरी, तो क्या बोल रहा हूं मैं, टाई। तो राजा बोलता है करने का क्या, एक थ्रोन में दो लोग को बिठा नहीं सकते अपन, बराबर ना। तो राजा क्या बोलता है करने का क्या, राजा क्या करता है, बोलता है एक काम करते हैं अपने को है ना रोडीस फॉर्मेट जाना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेट में, रोडीस। क्या करना पड़ेगा, देखो पर्सनल इंटरव्यू, क्या करना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो पहले ए को बुलाता है, ए को खड़ा करता सामने और ए को पूरा क्वेश्चन, क्या करेगा तो ये, क्या करेगा वो, क्या करेगा ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, ये वो सीए पास किया क्या, ऐसा सब पूछता उसको, कॉम्पिटेंट तो ही होगा, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पूछता उसको। तो ए भी जवाब देता है, बी भी जवाब देता है। अभी है ना राजा फाइनली पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद ना डिसीजन देने वाला है, और दोनों बाहर ना वेट कर रहे, लेकिन दोनों क्या है, डरे हुए, दोनों क्या है, डरे हुए। क्यों डरे हुए, हारा तो फांसी मिलेगा, हारा तो क्या बोल रहा हूं मैं, फांसी मिलेगा, ठीक है। देन दैट डिसीजन कम्स, क्लियर है, एंड डिसीजन कम्स एंड दैट विल सी लेटर, एंड दैट विल सी लेटर, ठीक है। सब बोल रहे हैं नहीं यार अभी तो देख क्या लिखा है, पहले तेरा ए एंड बी करके दो लोग हैं, देख क्या लिखा, पहले आएगा तेरा कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, क्या आएगा, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्ट, बोथ आर व्हाट, इक्वली व्हाट, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी। पहले हेडपॉइंट समझ लेना, देखते पहले आएगा तेरा कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी। सेकंड आएगा तेरा वहां पे दोस्त, उनको कंपटीशन क्या रखा, उन लोगों के बीच अपन ने क्या रखा, दे हैव टू कंपेयर द रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विद एसेट। बेसिकली अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे ना, दे हैव टू कंपेयर रिकॉर्ड्स विद एसेट्स, क्या बोला, दे हैव टू कंपेयर व्हाट, रिकॉर्ड्स विद एसेट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद एसेट्स, दे हैव टू कंपेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद द एसेट्स। तो पहले क्या आएगा, देख सुना यहां पे एक्शन देखना मेरे हाथ का, पहले आएगा तेरा दोनों कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, दोनों क्या, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, उनको अपने काम क्या दिया, कंपेयरिंग द रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी एंड द एसेट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द एसेट्स। अच्छा माने बन क्या करते, इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, मतलब क्या आएगा तेरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्या बोलेंगे अपन यहां पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑनलाइन करना पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सरल कर दे या बॉक्स में डाल दे ऐसे कुछ कर। अच्छा माने ए पहले क्या जाके करता है, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, क्या करता है, फिजिकल कंपेयर करने के, दोनों को फिजिकल कंट्रोल रखना पड़ेगा, ऑनलाइन करना सरल करना, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड, हाईलाइट कर दे या सरल कर दे जो भी, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, मिला दे कोई है। आगे 3000 पेज का उन लोग लिखते हैं, क्या क्या गलती निकाला, ऑनलाइन करना वहां पे एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आगे लिखा एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, द राजा एक एक पेज को अच्छे से गो थ्रू करता है, दैट इज एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन। लास्ट में, लास्ट पेज में आके राजा क्या करता है, साइन करता है कि उसने सब देख लिया, मतलब क्या, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, क्या बोलेंगे मैंने इसको यहां पे, ऑथराइजेशन प्रोसीजर। माने अपन करते पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, एक एक को बुला के ग्रिल करने का, इसको अपन बोलते इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, सिंपल यहां तक। लास्ट में दोनों डरे हुए, डी ए आर ई, देखो मिलेगा वहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मिलेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ए आर ई ऐसे करके पकड़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9 पॉइंट सबका सब आना चाहिए। प्रॉब्लम्स इन सीएस एनआर, क्या बोला, प्रॉब्लम्स इन सीएस एनआर, वेरी इजी, ठीक है। पहले तेरा दो लोग क्या तेरा, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सनल। अच्छा तेरा नेक्स्ट आएगा, उनको काम क्या दिया मैंने, कंपेयरिंग द सिंपल, कंपेयरिंग अकाउंट्स विद एसेट्स, क्या बोला, कंपेयरिंग अकाउंट्स विद एसेट, सिंपल, कंपेयरिंग अकाउंट्स विद एसेट। उन्होंने क्या किया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड। माने उन्होंने क्या लिखा, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, क्या बोला, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। अच्छा राजा क्या कर रहा है, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन। लास्ट में क्या किया, साइन, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, क्या किया, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, इधर भी टाई, तो क्या करेंगे अपने यहां पे, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस। लास्ट में दोनों डरे हुए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन मोर टाइम हो जाए आराम से, बोल मेरे साथ, पहले क्या आएगा वहां पर। अच्छा एक मिनट, सबके दिमाग में वो लिंक बैठना चाहिए, स्टोरी का ये वाला एलिमेंट, ये वाला पॉइंट है, वैसे करके पहले क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, डेलीगेशन ऑफ, सॉरी, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सनल, माने क्या कर रहे अपन, कंपेयरिंग एसेट्स एंड अकाउंट्स एंड एसेट्स, कंपेयरिंग द अकाउंट्स एंड एसेट्स, या रिकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी एंड एसेट्स, जो भी। माने नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन यहां पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, माने क्या कर रहे हैं अपन यहां पे, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, लास्ट में साइन, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, वन ऑन वन, इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, लास्ट में क्या आएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल है, इजी एकदम, पक्का, देखते क्या लिखा, अभी आराम से समझ इसको, क्या लिखा, प्रॉब्लम्स इन सीएस एनवायरनमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या क्या आएगा प्रॉब्लम्स, पहले देख, कॉम्पिटेंट ट्रस्टवर्दी पर्सनल, पर्सनल शुड हैव प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज टू ऑपरेट सीबीआईएस, कंप्यूटर बेस्ड, सीबीआईएस का फॉर्म लिख देना बाजू में, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इजी।
क्या लिखा गया, पर्सन शुड हैव प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज टू ऑपरेट सीबीआईएस एज एरर्स कैन अकर, हाउएवर ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंश्योर इफ द पर्सनल इज, क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी. दैट इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली इन मैनुअल एनवायरनमेंट, ऑल्सो इन, क्या बोल रहा हूं मैं, सीआईएस, मेरे कंप्यूटर का जिसको मैंने काम हैंडल करने लिए दिया, आई कैन फेस दिस प्रॉब्लम देयर ऑल्सो. आगे कंपेयरिंग रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विद एसेट्स, उधर लिखा है डेटा एंड इट्स रिलेटेड एसेट्स शुड बी पीरियोडिकली कंपेयर्ड टू डिटरमाइन इनकम्प्लीटनेस और इनएक्यूरेसीज इन द डेटा और शॉर्टेजेस और एक्सेस इन द, क्या लिखा है, एसेट्स. इन मैनुअल एनवायरनमेंट स्टाफ यूज टू प्रिपेयर द डेटा एंड सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज वॉज, क्या लिखा है, पॉसिबल. अनलाइन करना पे डिटरमाइन इनकम्प्लीटनेस और इनएक्यूरेसीज इन डेटा. ये सब सिस्टम कर रहा है ना, तो सिस्टम का अगर एक चीज रॉन्ग तो सब चीज रॉन्ग होने का चांस है. एक चीज रॉन्ग तो सब चीज रॉन्ग होने का, क्या बोल रहा हूं दोस्त, चांस है. कंपेयरिंग रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विद एसेट्स, ठीक है. आगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. अच्छा, इज इन मैनुअल एनवायरनमेंट वर वी गिविंग, वर वी हैविंग मोर पर्सन टू हैंडल वर्क, और इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट वी हैव मोर पर्सन टू हैंडल वर्क. पर्सन मतलब इंडिविजुअल्स, मैनुअल में ज्यादा लोग थे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कहां पे ज्यादा पॉसिबल था, मैनुअल में. तो फ्रॉड का एरर, फ्रॉड होने का चांसेस कहां पे ज्यादा था, नहीं कंप्यूटर में, बिकॉज यहां पे एक काम तेरा सिस्टम कर रहा है. सिस्टम में अगर एक आदमी ने कुछ कोड करके अपने तरफ कर दिया ना, तो देन दैट फ्रॉड का चांस हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज लाइकली टू हैपन मोर इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट. देखिए क्या लिखा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इन अ मैनुअल एनवायरनमेंट डिफरेंट पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फंक्शंस लाइक इनिशिएटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स दैट डज नॉट ऑलवेज अप्लाई इन अ, क्या लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम. इजी टू अंडरस्टैंड. आगे adequate documents and records, this refers to written typed explanations of actions taken on specific transactions. In manual systems, adequate documents and records are needed for audit trail, which may not be the case in क्या लिखा है, computer environment. ये कौन सा example था where audit trail will not, may not be available. याद है वो मेरा recording वाला मैंने example दिया था कि 30 days के बाद वो शायद मिलेगा नहीं. This is this audit trail may not be available in computer environment. Manual में तो रहेगा because file में रखा मैंने सब, बराबर कि नहीं. आगे adequate management supervision. Auditor has to review the work of a supervisor who provided his sign off on the documents indicating specific work done. Supervision in manual environment is straightforward. मतलब क्या, जिसने काम किया उसको पूछो तूने क्या काम किया, तो बता देगा क्या काम किया उसने. तो सिंपल है. कंप्यूटराइज्ड में अगर सपोज अपन ने फ्लिपकार्ट में गए और डिस्काउंट के लिए अपना बिल अप्लाई किया और डिस्काउंट को कूपन डाला, तो डिस्काउंट को दिया कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू दैट डिस्काउंट. इट इज सिस्टम ड्रिवन, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीवन. क्या लिखा यहां पर, However, management supervision is generally remotely carried. In क्या लिखा है यहाँ पे, computer system. Remotely मतलब क्या? Where the server is somewhere else and the auditor is doing the audit somewhere else. Clear है? जैसे मेरा अगर data Google Drive में save रहेगा. Google Drive कहाँ पे? Server is in US. On that I'm checking the data online in India. So the remote, it is remotely carried. Simple है? आगे. Authorization procedure. In manual systems, auditors evaluate the adequacy of procedures for authorization of examining the work of employees. However, in computer systems, authorization procedures are often, unlike authorized procedures are often embedded within the computer program. तो permission चाहिए रहेगा, वो computer ही दे देगा. Again, that coupon code वाला example. There may be general authorizations contained in policies or specific authorization for क्या लिखा है individual activities. Simple to understand यहाँ पे. इसका मतलब क्या है? अगर suppose मेरे क्लास में अगर कोई आता डिस्काउंट मांगने के लिए, तो वो स्टाफ में डायरेक्टली गिव द डिस्काउंट इंडिविजुअली, या तो मेरे पास आएगा कि जेन्युइन केस है वैसे करके, तो हो सकता. तो इधर डिस्काउंट कौन दे रहा है? पर्सन दे रहा है एक केस टू केस बेसिस पर. बट फ्लिपकार्ट व्हेन यू टेक अ डिस्काउंट यू हैव टू जस्ट ऐड दैट कूपन एंड द डिस्काउंट इज ऑलरेडी गिवन. सो इट इज व्हाट सिस्टम ड्रिवन, इट इज एम्बेडेड इन द सिस्टम प्रोग्राम. प्रोग्राम भी ऐसा है कि अगर किसी ने यहां पर डाल दिया FLP कूपन, FLP डिस्काउंट 27, तो देखो 27% डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे करके. तो दैट इज द कूपन कोड, सिस्टम ड्रिवन. आगे इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस. इन अ मैनुअल सिस्टम्स, इन मैनुअल सिस्टम्स ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल लाइक फॉरगेटिंग प्रोसीजर्स, मेकिंग जेन्युइन एरर्स एटसेट्रा. हाउएवर इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, इफ द प्रोग्राम कोड इज ऑथराइज्ड एक्यूरेट एंड कंप्लीट, देन सिस्टम विल ऑलवेज फॉलो डेजिग्नेटेड प्रोसीजर अनलेस देयर इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्या लिखा था वहां पे, फेलियर. ये अपने कहां देखा था ऑथराइज्ड एक्यूरेट कंप्लीट, अभी देखा था इनपुट के रिलेटेड, बराबर कि नहीं. आगे delegation authority and responsibility, a clear line of authority and responsibility is an essential control in both manual and computer systems. However, delegating authority and responsibility in an unambiguous way may be difficult in a kya likha pe computer system, because jisko apan authority de rahe shayad usko utna responsibility rahega nahi computer ya software mein, to personal responsibility change ho sakta. Clear hai? So this is your answer for kya bol raha hai, problems in what CIS environment. Aaram se khali mere sath head points khali bolna fatafat. Pehle kya kya tha wahan pe, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन. क्या बोलो, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन. माने क्या आएगा, कंपेयरिंग रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विद एसेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स,
adequate documents and records, adequate management, supervision, authorization procedures, माने क्या आएगा? Independent checks on performance, डरे हुए, delegation of authority and responsibility, delegation authority and क्या बोल रहा हूँ मैं? Responsibility, easy to understand यहाँ पे, ये क्या हो गया तेरा यहाँ पे दोस्त? ये है तेरे problems वाले, simple यहाँ पे, easy to understand यहाँ पे, बाजू में लिख दे यहाँ पे king story करके लिख दे, king story. किंग स्टोरी ठीक है. मार्क्स आंसर है स्टार. आई एम कंटिन्यूसली सीइंग दिस इन आरटीबीज एंड मॉक टेस्ट दिस क्वेश्चन बट इज नॉट येट कमिंग इन द एग्जाम अभी तक. डिफरेंट रोल्स इन सीआईएस. सिंपल है, कुछ नहीं है. देखते आराम से. Let's see, देखा लिखा different roles or duties in a large CIS installation. पहले लिखा organization structure or control. CIS function in an organization need to be so organized that different groups are formed to perform different duties in a large CIS installation. Some of the typical functions that must be performed by select group individuals. So problem solve करने के लिए if you give people their respective tasks, they may do the work properly. देखा पहले क्या लिखा है आराम से. बहुत सिंपल है. क्या लिखा पहले लिखा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. मिला देखो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और नीचे लिखा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. क्या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. इसका पहले मीनिंग समझ. अगर मेरा सीआईएस इंस्टॉलेशन में ये पूरा इंस्टॉलेशन का सेटअप है जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको इनटू लेट से लाइक दिस. आई एम डिवाइडिंग इनटू सिक्स सेक्टर्स, छह पार्ट्स है इसमें. मेरा इसका जो डेटा का काम रहेगा ना, ये वाले डेटा का जो काम रहेगा ना, फॉर दैट आई विल हैव अ पर्सन हू इज टेकिंग केयर ऑफ दैट डिपार्टमेंट. सो लेट्स कॉल इट डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डी वन डी टू, इसको हम बोलते हैं ई वन ई टू, इसको हम बोलते हैं एफ वन एफ टू, ऐसे करके तेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. मेरा डी टू का जो मैनेजर रहेगा ना, डी टू का डेटा हैंडल करेगा ना, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. क्या बोल रहा हूं? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. जिसका लेकिन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इस चीज का कि सारा डेटा बरोबर होना चाहिए, दैट पर्सन विल कॉल्ड एज डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. ही विल टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली द डेटा of that department but of the entire organization. Clear? Database administrator. Dekha likha hai. Data administrator generates the data requirements of the users of information system services. Unlike an information system services, apna service jo de raha hai apne department mein. Formulates data policy, plans the evaluation of the corporate databases and kya likha hai? Maintains data documentation. Unlike an maintains data documentation. So I'm just writing here DA. और इसके ऊपर में लिख रहा हूं, इस आदमी को लिख रहा है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. क्या लिखा है? डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अनलाइक करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ कॉर्पोरेट डेटाबेस असिस्ट यूजर्स टू यूज डेटाबेस बेटर. ही इज वरीड अबाउट द एंटायर डेटाबेस कि ओवरऑल डेटा सब रहना चाहिए बराबर. इजी तो तेरा दो काम पहले सिंपल है. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. क्या बोल रहा हूं मैं? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नहीं से क्या लिखा? सिस्टम एनालिस्ट. इसका काम क्या? देखते क्या लिखा. मैनेजेस इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन. अनलाइक करना इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. डिजाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर्स टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स. फैसिलिटेट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अनलाइक करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. राइट प्रोसीजर्स एंड क्या लिखा? यूजर डॉक्यूमेंटेशन. अनलाइक करना यूजर डॉक्यूमेंटेशन. अब इसका खाली टेक्निकली मीनिंग समझ. सिस्टम एनालिस्ट कौन होता? सपोज सबरीश इज एन आई टी पर्सन, ठीक है, और मैं हूं ऑर्गेनाइजेशन. अभी सपोज हैदर हैज ऑर्गेनाइजेशन और उसको करना है मैनुअल से ऑटोमेटेड सिस्टम में जाने का. तो हैदर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बात कैसे करेगा? नॉट डायरेक्टली टू द आई टी पर्सन, विल टॉक टू मी एंड आई विल बी द सिस्टम एनालिस्ट. मैं क्या करूंगा? इसका रिक्वायरमेंट जानूंगा, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखूंगा कि हम लोग का सिस्टम वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है, और मैं बाकी इसको बोलूंगा कि अपने को क्या क्या चाहिए. ये वो डिजाइन करेगा, मेरे को दिखाएगा और मैं देखूंगा कि अच्छा इसको अभी ये सिस्टम समझने के लिए क्या क्या प्रोसीजर की जरूरत है, जो अगर ये फॉलो करेगी ना तो ये सिस्टम यूज कर सकती है. बेसिकली शी इज अ पर्सन डजंट नो कंप्यूटर एट ऑल. ही इज अ पर्सन दैट डजंट नो एनीथिंग अदर देन कंप्यूटर्स एंड आई एम एक्टिंग एज अ लिंक.
ये अगर उसको समझाइए, इसको समझाएगा ना, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रही है। मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको बताना पड़ेगा मेरे को इसको। तो टेक द सिंपल रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल डिजाइन एंड टेल दैट पर्सन आफ्टर द डिजाइन इज मेड, सिस्टम इज मेड टू मेक यूजर प्रोसीजर्स, कि इसको क्या कैसे यूज करना है इसको, और फिर इसको यूजर प्रोसीजर बना के देने का। ये किसका काम है? मेरा काम है। मैं कौन हूँ? सिस्टम एनालिस्ट। क्या बोल रहा हूँ? मैं सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था। ये कौन हूँ मैं? सिस्टम एनालिस्ट। क्लियर है? क्या लिखा है? सिस्टम एनालिस्ट, वॉट एवर यू अंडरलाइन दैट इज राइट, दैट इज इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या कहते हैं पे? इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड लास्ट में क्या लिखा? यूजर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब हम चेक करेंगे इजी। आगे देख क्या लिखा, सिस्टम प्रोग्रामर्स मेंटेन्स एंड एनहांसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड्स व्हेन अनयूजुअल सिस्टम फेलियर अकर्स। अनलाइन करना आप है, अनलाइन करना आप है, मेंटेन्स एंड एनहांसेस सर करना आप है, मेंटेन्स एंड एनहांसेस, एंड यू टू राइट ऑल दी सॉफ्टवेयर का नाम। अनलाइन करना आप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। अभी इसका रोल क्या है मैं बोलता हूं एग्जैक्टली नेक्स्ट पढ़ने के बाद। क्या लिखा है? सिस्टम यू विल गेट एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिजाइन प्रोग्राम्स टू मीट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। अलग करना डिजाइन प्रोग्राम्स, अलग करना कोड्स टेस्ट डीबग्स प्रोग्राम्स, अलग कोड्स टेस्ट डीबग्स, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, मॉडिफाई प्रोग्राम टू रिमूव एरर्स, एंड क्या लिखा? इंप्रूव एफिशिएंसी। एंड क्या लिखा? इंप्रूव एफिशिएंसी। इसका मतलब समझा? अभी ध्यान से समझ इसका टेक्निकली मीनिंग क्या रहेगा। मैं हूं यहां पे सिस्टम एनालिस्ट। मैं कौन हूं यहां पे? सिस्टम एनालिस्ट। मैं इंटरेक्ट कैसे करूंगा यहां पे? आई एम इंटरेक्टिंग एक्चुअली विद दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज व्हाट द पॉइंट वी जस्ट रेड, दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। क्या बोल रहा हूं मैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अभी ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, ये तेरा कोडर है मेन, जो एक्चुअली तेरा कोडिंग का काम करता है। ठीक है, अभी अगर मैं घड़ी घड़ी इसको एक सॉफ्टवेयर खाली बताऊंगा ना, अरे यार ये रिक्वायरमेंट है, अरे ये रिक्वायरमेंट है, अरे यूजर्स लेकिन ये चाहता है, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, इसको समझ में आएगा कि अपने को डिजाइनिंग के इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये किसके पास लेके जाएगा ये पॉइंट? ही विल टेक इट टू हिज बॉस, एंड हिज बॉस इज द सिस्टम प्रोग्रामर। क्या बोल रहा हूं मैं? हिज बॉस इज द सिस्टम प्रोग्रामर। इसका काम क्या है? जैसे ये कोड कर रहा है ना, कोड का एनहांसमेंट बढ़ाने का, तो मॉनिटर्स एंड एनहांसेस। इसका काम क्या है? इसका बॉस का काम क्या है? एनहांस करने का। अभी एग्जाम्पल समझ, लेट्स से मोनिल इज द बॉस ऑफ सबरिश। तो सबरिश क्या कर रहा है यहां पे? सबरिश इज अ कोडर, तो ये है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। मैं हैदर का रिक्वायरमेंट समझा और मैं जाके किसको बोलूंगा यहाँ पे? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, देख हम लोग ये रिक्वायरमेंट है करके। अगर इसके बाद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बोलता कि अरे नहीं यार ये सब डिजाइन नहीं हो सकता करके, तो ही विल रेज द मैटर टू मोनिल कि देख भाई अपन कुछ कर सकते क्या, जिससे अपन ये प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट विल गो टू द सिस्टम प्रोग्रामर। क्लियर है यहाँ पे? तो सिस्टम प्रोग्रामर का काम क्या है? ओवरऑल सिस्टम को, कौन सिस्टम को? तेरे को वहां पर मिलेगा देख लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको अनाउंस करने का। इसका काम किसका है यहाँ पे? तेरा मोनिल का, दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉरी सिस्टम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सिस्टम प्रोग्रामर। क्या बोल रहा हूं मैं? सिस्टम प्रोग्रामर। सिंपल है यहां पे, इजी, एबल टू अंडरस्टैंड, क्लियर। अच्छा तो अभी तक मैंने क्या क्या रोल देखा? पहले जो डेटा को हैंडल करेगा वो एक डिपार्टमेंट का डेटा एनालिस्ट, जो था तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का देखेगा वो देखा जाए डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। तेरा नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद? सिस्टम एनालिस्ट। उसका काम क्या सिस्टम एनालिस्ट का? लिंक, यू विल टॉक टू द यूजर एंड पुट गिव देयर रिक्वायरमेंट्स टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसको डिजाइन करके देगा, देखेगा कि यूजर प्रोसेस बरोबर है कि नहीं, इसको देगा। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास में गया लेकिन वो डिजाइन उससे करने के लिए नहीं हो रहा है, तो मैटर किसके पास जाएगा? सिस्टम प्रोग्रामर। किसके पास? सिस्टम प्रोग्रामर, जो किसका बॉस है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर का। यहां तक क्लियर सेट? अच्छा आगे आ जाओ, अभी इजी है। ऑपरेशन स्पेशलिस्ट प्लान एंड कंट्रोल, अनलाइन करना डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस, मॉनिटर्स एंड इंप्रूव्स ऑपरेशन एफिशिएंसी अलोंग विद कैपेसिटी प्लानिंग। अनलाइन करना ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, सेपरेट रोल है ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। यहां से अच्छे से करा एक और जगह काम आएगा। लास्ट में लिखा पे लाइब्रेरियन, मतलब क्या आएगा? मेंटेन लाइब्रेरी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया एंड डॉक्यूमेंट, हर चीज को सेव किसका करने का काम है? लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन। सिंपल ओके। लास्ट में लिखा है ऑडिटर शुड बी कंसर्न अबाउट टू मैटर्स, स्टार मार करना है इसको। तो अभी ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने सेट किया। अच्छा पहले खाली रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रहेगा, खाली जस्ट डिस्कस। पहले क्या आएगा पे? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बने आएगा, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बने आएगा, सिस्टम एनालिस्ट बने आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बने आएगा, सिस्टम प्रोग्रामर, उसके बाद ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, लास्ट में क्या आएगा? लाइब्रेरियन। क्लियर है यहां तक? अच्छा इसके रिलेटेड ऑर्डर क्या करना चाहिए? देखिए लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच जॉब पोजिशन, सबको अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच जॉब पोजिशन मस्ट बी क्लियर, सबको अपना काम बताना चाहिए क्या करना है। एंड इनकम्बेंट्स मस्ट फुली अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज,
अथॉरिटी एंड क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे शुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि उनका काम क्या. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर. आगे द जॉब परफॉर्म विद इन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन शुड मेंटेन अनलाइन करना सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज जितना हो सके अलग अलग. सब आईटी में काम करे तो टांगे अड़ाना चाहिए. सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज विदाउट सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एरर्स एंड इररेगुलरिटीज माइट रिमेन क्या लिखा पे अनडिटेक्टेड. वी शुड सी इफ सेपरेट वर्क इफ पीपल अंडरस्टैंड देयर वर्क एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज. क्या बोल रहा हूं मैं, पीपल अंडरस्टैंड देयर वर्क, डू दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेदर देयर इज सेपरेशन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूटीज. ओवरलैपिंग का तो भी प्रॉब्लम है. इजी यहां पे क्लियर एकदम. हाँ सर, टेल मी द डिफरेंट रोल्स इन सीएस एनवायरनमेंट. क्या क्या डिफरेंट रोल्स, क्या आएगा? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. आने क्या आएगा? सिस्टम एनालिस्ट. विल डिस्कस विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके ऊपर कौन है? सिस्टम प्रोग्राम. तेरे दो अलग लोग, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट एंड लाइब्रेरियन, जो सब स्टोर करके रखेगा. अच्छा, ऑडिटर क्या चेक करना है? वेदर पीपल हैव अंडरस्टूड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेकंड क्या है? वेदर देयर इज सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज और नॉट. सिंपल याद रख. इजी, क्लियर. ओके, कम टू द लास्ट पार्ट. देखा लिखा है लास्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया. देखा लिखा, दैट इज योर ऑडिट अप्रोचेस इन सीएस एनवायरनमेंट. ऑडिट अप्रोचेस इन सीएस आराम से कर. देखा लिखा, based on the knowledge and expertise of auditors in handling computerized data, the audit approach in a CIS environment could be either udhar likha hai black box approach, white box approach. Now understand two things. ek hota hai sirf pm padh ke exam mein jana aur dusra hota hai dhang se thoda karke exam mein jana. ये एग्जैक्टली ये तो अप्रोच का मीनिंग भी वही है. ठीक है, जैसे अगर एक सिस्टम होएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और मेरे पास पैसा कम है टेस्टिंग करने के लिए, या टाइम कम है टेस्टिंग करने के लिए, या क्लाइंट को चाहिए कि सिस्टम घाई घाई में टेस्ट होकर आ जाए बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर डिलीवरी सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो कभी कभी है ना मैं गापची करूंगा. गापची मीन्स आई विल नॉट परफॉर्म सर्टन फंक्शन इन रिलेशन टू व्हाट टेस्टिंग व्हेन आई एम नॉट चेकिंग द प्रोसीजर एंड आई एम जस्ट चेकिंग द इनपुट एंड द आउटपुट कि ये इनपुट का ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं कैसे आ रहा हूं देख रहा नहीं हूं, खाली इनपुट का आउटपुट. जैसे मैंने कैलकुलेटर लिया और कैलकुलेटर में डाला यहां पे 2 + 2. एक्चुअली कैलकुलेटर का आंसर कितना आएगा? 2 + 2. वेरी गुड, वेरी गुड. देखा क्या आएगा आंसर? 4. ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मेरा गलती से, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन जो करते समय जो उसका इनर सर्किट से कैलकुलेटर का, वो एक्चुअली प्लस को मल्टीप्लाई पकड़ रहा है. क्या बोल रहा हूं? प्लस को मल्टीप्लाई पकड़ रहा है, मल्टीप्लाई को प्लस पकड़ रहा है. एंड आई पुट 2 + 2, क्या डाला मैंने? 2 + 2. तो कैलकुलेटर क्या लेगा उसको? 2 × 2. तो आंसर क्या देगा? 4. अपन क्या देगा? अपन देगा इनपुट क्या है? 2 + 2. अपने को आंसर कितना चाहिए? 4. अपने को इनपुट मिला, अपने को आउटपुट मिला. अपन क्या कैलकुलेटर है जबरदस्त, लेकिन वो प्रोसेसिंग बराबर हो रहा है क्या? नहीं. मतलब क्या? वी आर नॉट सेइंग द प्रोसेसिंग एट ऑल. And we are just looking at the input and the output and saying that it is okay. That is called as shortcut मारना. Shortcut मारा मतलब कि अपन ने उसका खोल के inner circuit सब चेक किया नहीं है, तो तेरा ये problem आएगा. तो इसका मतलब क्या? इसको अपन बोलते हैं black box testing, ऊपर ऊपर से उड़ाना. दूसरा होता है ये अच्छा वाला input process output, जिसमें अपन ये process को black box में डालते नहीं है, ये अपन उसको properly रखते हैं and we are checking it एकदम clearly अच्छे से. जब भी time रहेगा testing के लिए ज्यादा, और तेरे जो भी टॉप एंड आईटी सिस्टम्स होते हैं, दे ऑल गो थ्रू विच टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज दे गो थ्रू इंटेंस टेस्टिंग. इंटेंस टेस्टिंग का फायदा क्या दे रहा? तेरा जो भी एरर्स मिलेगा तेरे को हर चीज में मिल जाएगा कि प्रोसेसिंग बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है. इन दी एंड एंटायर गेम इज ऑफ प्रोसेसिंग. मतलब क्या, तेरा इनपुट आने के बाद प्रोसेसिंग में तेरा जैसे होगा वैसे तेरा आउटपुट आने वाला. सिंपल है यहाँ पे. तो दैट इज व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स. कौन सा शॉर्टकट है? कॉस्ट कितने ज्यादा लगेगा? टाइम कितने कम लगेगा? बराबर है. समझा क्या लिखा है? Audit approaches in CIS environment based on the knowledge and expertise of auditors in handling computerized data. The audit approach in a CIS environment could be either. उधर लिखा black box approach, that is auditing around the computer, नहीं करना around the computer. And white box approach. देखा लिखा white box approach में auditing through the computer. क्या लिखा? Auditing through the computer. Easy. देखते आगे क्या लिखा? Black box approach. In a black box approach or auditing around the computer, the auditor concentrates on, नहीं करना concentrates on input and output. And ignore the specifics of how computer processes the transaction or data. Ignores processing. If input matches the output 2 + 2, the auditor assumes that the processing of transaction or data must have been क्या लिखा दोस्तों भाई? Correct. सही रहेगा ये तो. The major disadvantage, however, is that the auditor not having directly tested the control cannot make assertion about the क्या लिखा underlying process. He cannot tell anything about the process part.
Moreover, in some of the more complex computer systems, intermediate printout may not be available for making the क्या लिखा है needed comparisons. I cannot get the intermediate printout मतलब क्या processing के बीच में जो वो देखना है कैसे जम रहा है मैं करूँ देख नहीं पाऊंगा because I am not checking the processing at all. I am just checking input output बराबर okay. Input output बराबर okay. सिंपल आ रहा है यहाँ पे easy आ गया. White box testing. It requires programming skills. Programming skills क्यों? Because you have to check what everything. Programming skills to identify all paths through the software. Unlike all paths through the software. हर चीज को प्रोग्राम हो रहा है हर चीज को चेक करेंगे अपन. द टेस्टर चूजेस टेस्ट केस इनपुट्स. टेस्ट केस मतलब क्या? टेस्टिंग के लिए अपन कुछ इनपुट डाल देंगे देखने के लिए इसका प्रोसेस बराबर हो रहा है कि नहीं. जैसे आई नॉट ओनली पुट 2+2 आई पुट 3+2 आई पुट 6+2. अभी मेरा कैलकुलेटर काम बराबर करेगा नहीं बिकॉज 6+2 आई एम वेटिंग फॉर द आंसर 8 बट इट विल शो मी आंसर 12 बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइंग इट. समझ आ रहा है क्या लिखा गया? द टेस्टर चूजेस टेस्ट केस इनपुट्स टू एक्सरसाइज पास थ्रू द कोड एंड डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट आउटपुट्स. Since the tests are based on the actual implementation, if the implementation changes, the test probably will need to change. It is applicable to the unit, integration and system levels of testing process. It is typically applied to the क्या लिखा है दोस्त यहाँ पे unit. That's it. Easy यहाँ पे. That is क्या black box approach and which approach? White box approach. Actually एक और approach होता है grey box. वो अपने को audit portion में नहीं है. ठीक है इसका मैं है 100%. आ जा please copy this. You have the CIS का spread now with you. Please copy this. पूरा वो येलो में जो लिखा वो करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट द कोड इफ यू वॉन्ट एंड जस्ट राइट हियर. जैसे सपोज इफ यू आर राइटिंग दिस वाला आंसर यू कैन राइट द डायग्राम करके. फॉर दिस यू कैन राइट द डायग्राम करके वैसे करके. तो उन्होंने ऑलरेडी वहां पे कॉपी किया कर दिया रहेगा उसको. नहीं किया तो कर दे वैसा. तो फर्स्ट मेक दिस चार्ट देन वी विल जूम ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट. प्लीज मेरे सीआईएस का चार्ट ये बना दे पहले दोस्त. So remember 5 answers in CIS. We did 4 answers in CAT and 5 answers now in CIS. क्या था वो टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मेजर क्लॉज ऑफ कंट्रोल्स क्या था? पेको एज अ रेड एसेट क्या आएगा? पी से क्या आएगा? प्राइवेसी कंट्रोल. ई से क्या आएगा? एक्जिस्टेंस कंट्रोल. ई से क्या आएगा? इफेक्टिवनेस कंट्रोल एंड एफिशिएंसी कंट्रोल. अच्छा को से क्या आएगा? कंप्लीटनेस कंट्रोल. हैज अ से क्यूब. एक्यूरेसी कंट्रोल, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल एंड एसेट सॉरी ऑयल ट्रेल कंट्रोल बराबर है. हाँ बाद में क्या आएगा जरा? हैज अ रेड रेडेंसी कंट्रोल एंड लार्ज में एसेट सेफ गार्डिंग कंट्रोल. क्लियर है? अच्छा कर कर सागर और नोट जो भी एबसेंट था वो कॉपी कर दिया कुछ अंडरलाइन कुछ ले लिया जेरॉक्स ले लिया कुछ. हैज अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर डूइंग जीएमसीएस और नो नॉट रजिस्टर्ड अप्रैल 1st वीक. नो टू पेपर्स लेफ्ट. नो सो डू इट. Get over 9-10 o'clock. Easy. That reliability of control, I think you have made a diagram. No, that input process output wala. Clear hai. That are ye different roles wala baki hai na. Yeah, I can make this different roles wala. Yeah,
how will I determine the controls in the CAD software, that the CAD software is running in a controlled manner? How will I determine that? How should I ensure that? Flow of point. Like, designing and testing. Yeah, designing and testing. Second, what will coding. What will review by the NED staff. What will you do? Test on small test file. What will correct files should be used. What will you do? As planned. Functioned as planned. Last, what will confidentiality and integrity of the data. What are the problems in CIS environment? What are the problems in CIS environment? Personal. कैसा king वाला story? कैसे पकड़ने का पहले जाने का CIS पूछना तो पहले CIS पे. CIS का तेरा 5 है. 5 में से आएगा. वो कौन सा तेरा वाले controls क्या क्या? Controls का reliability क्या? ठीक है. अच्छा when do you say that the controls are reliable in CIS environment? Yes, source code तेरा probably secure रहना चाहिए. Input का क्या? Accurate, complete and correct. तेरा processing का क्या? Processing बराबर रहेगा तो क्या? Detect errors and corrected. नहीं रहेगा बराबर तो? Session to restart without distortion. ठीक है, वाने तेरा आएगा output का? Accurate and complete. अच्छा तेरा last में storage. Storage के अंदर में दो चीज. Adequate data security होना चाहिए. And last में? Unauthorized amendment to programs नहीं होना चाहिए. Clear है, चलो आता है. They're in a test, that's why. We're gonna test. 26th, I think, will be the test. So there'll be bank audit, so many things now to ask. A lot of masala for me. Complete this chapter. Everyone is. Students. तीन आंसर बाकी है, खत्म कर दे. हाँ खत्म कर, डाल दा. यू आर बैटलिंग, यू आर डूइंग, गोइंग फॉर अ वॉर. चलो देखते कहा लिखा हुआ प्रोसेस. यू विल कॉपी दैट, दिस यू वांट टू कॉपी. हाँ कर. इसका 68 नो वायर यू रेड कहा था आपने. Copied. It was Kingdom Split story. My headphones were same. Done. उधर नाम है उसका impact of computers on internal control. I come with this color book. Yeah. Or it goes well, make color book next time. Ho jayega. Okay, come to the next part. Let's do it. We'll do some very, very important answers. Don't ask how important it is. So important. Very, very, very crucial for examination perspective. I am thinking 12 marks will come from these three answers only. Okay? From this chapter. Okay? Dekha likha hoga. Come to the next part. Come to this. The last three answers that are left, basically. That is. The characteristics of effective computer audit program system. This actually come twice. Dobar aa chuka hai. Characteristics of an effective computer audit program system.
नाउ दिस इज नॉट कैट, दिस समथिंग एल्स ओनली. तो लिखा है कैट इज ऑफ एन इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम सिस्टम. मतलब क्या, अगर मैं एक सिस्टम को मेरे ऑडिट के लिए यूज कर रहा हूं, मैं कैट टूल ही हो सकता है, यदि कैट टूल ही रहेगा, यूज कर रहा हूं मैं, तो व्हेन विल आई से कि ये एक अच्छा कैट टूल है, या तो मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम इतना अच्छा है कि मेरे काम में आ रहा है. व्हेन विल आई से दैट, व्हेन विल आई अप्रिशिएट दैट प्रोग्राम. लिखा लिखा यहां पर क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें. तो लेट्स डू फर्स्ट आंसर. उसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कैप्स, इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम सिस्टम. लिखते कैसे आएगा पहले उधर लिखा है पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी. व्हाट अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो सॉफ्टवेयर सब लोगों को समझ में आना चाहिए. दे आर यूजर फ्रेंडली, जैसे पीछे आंसर आया था यूजर फ्रेंडली करके, यही है. अरे क्या लिखा था, सिस्टम शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट स्टाफ, इवन दोज विद लिटिल कंप्यूटर एक्सपर्टीज. द कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम शुड बी नोन एंड इट शुड बी इजी टू यूज. कोडिंग फॉर्म्स प्रोवाइडेड शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू, क्या लिखा है, अंडरस्टैंड, सिंपल टू यूज होना चाहिए, इजी. आगे सेकंड लिखा है उन्होंने वहां पे, दैट इज वेंडर टेक्निकल सपोर्ट. क्या लिखा है, इन कंसिडरिंग द टाइप्स ऑफ पैकेजेस टू बी एक्वायर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वेंडर प्रोवाइड्स अनलाइक अ नाउ एडुकेट सपोर्ट. जैसे किसी ने पीछे वापस बोला था कि वेंडर का सपोर्ट होना जरूरी है. आगे इन एडिशन ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द फॉर द ऑडिट स्टाफ, इसका लिखा है दोस्त इंपॉर्टेंट. ऑल्सो मेंटेनेंस सर्विसेज शुड बी फर्निश्ड, द प्रोविजन मेड फॉर फ्यूचर रिविजन इन द, क्या लिखा है, प्रोग्राम अनलाइक अ फ्यूचर रिविजन, प्रोविजन फॉर फ्यूचर रिविजन. इजी यहां तक. आगे लिखा है रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट चाहिए तो मुझे रेडली अवेलेबल होना चाहिए. क्या लिखा दोस्त, द पैकेज शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग फंक्शन, दिस शुड इंक्लूड द एबिलिटी टू प्रिपेयर मल्टीपल रिपोर्ट्स इन अ सिंगल प्रोग्राम रन एंड टू जनरेट फ्लेक्सिबल आउटपुट रिपोर्ट फॉर्मेट. फ्लेक्सिबल आउटपुट रिपोर्ट फॉर्मेट, दो अच्छे पॉइंट लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. मैंने मेरा लैपटॉप चेंज किया तो सॉफ्टवेयर फिर भी चलना चाहिए उसमें. एडेप्टेबिलिटी, the system should be capable of writing computer written audit programs for the various types of computer used in the company for expected or expected to be acquired, thus the package will be usable if equipment is changed in the kya likha pe future. Next likha acceptability, the system should be acceptable to both the auditors and the kya likha computer center. Yaad rakhna, organization should be okay with that computer and the auditor should be okay with using the software in that computer. Dekha likha pe, for the auditors the program should be easily carried to the site and practical to use. For the computer center, the programs should be compatible with the system and be capable of minimum interference with the normal routines. So, adaptability and acceptability. Clear? Pehle kya aega? Suli jana, pehle U se kya aega? Understandability. Achha, understanding. Tera V se vendor support. R se readability. Theek hai. Bane tera report writing. Sorry. R se aega report writing. A se aega adaptability. A se aega acceptability. Achha, bane P se aega. Kya likha? Processing capability. The package should be able to process many different applications. For example, it should accept all common file media and process multiple file input. जैसे तेरा image का file हो गया, तो image का तेरा common file format क्या होता है? JPG, JPEG, PNG, ये सब तेरे common, ये सब accept करना चाहिए. It should have the capability for extended data selection and क्या लिखा है? Stratification. What is stratification? सब सोच रहे, देखा रहे अपन ने 530 में we had seen. ग्रुपिंग, क्या बोला, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, बराबर है कि नहीं है? आ गया. इट शुड हैव, ये अपन एक स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड का देखा था, इन विच पॉइंट इन 530, वो रैसी मोहब वाला कोड था. हाँ, उसमें वी हैड सीन इन मॉनिटर यूनिट सैम्पलिंग. मॉनिटर यूनिट सैम्पलिंग में अपन ब्लॉक में सेट करते हैं 1 लाख के ऊपर, 10,000 से 1 लाख और 10,000 के नीचे, दैट इज ग्रुपिंग. ठीक है, आ गया. नेक्स्ट आएगा, इट शुड हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट अंडर मल्टी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस. इट शुड हैव अ पावरफुल एंड जनरलाइज्ड, क्या लिखा है, ऑडिट कमांड. प्रोसेसिंग एबिलिटी शुड बी गुड. लास्ट में, नाउ दिस पॉइंट इज सिमिलर टू योर फर्स्ट पॉइंट, सिंपलिसिटी. द सिस्टम शुड बी सिंपल टू यूज एंड एलिमिनेट द नीड फॉर रिमेंबरिंग काउंटलेस डिटेल्स नॉर्मली रिक्वायर्ड इन राइटिंग और रिवाइजिंग, क्या लिखा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स. वेरी सिमिलर टू द अबव पॉइंट. लास्ट में लिखा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एबिलिटी, जो अभी देखा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग शुड बी पॉसिबल. क्या लिखा, सिंस स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन ऑडिटिंग, द पैकेज शुड बी एबल टू परफॉर्म द वेरियस स्टैटिस्टिकल रूटीन्स. This should include the selection of items on a random basis. Unlike on a random basis, random sampling possible on a determination of sample size, evaluation of results at different confidence levels. See, confidence levels, apne kahi dekha tha kya? Confidence levels? Steps in sampling. Confidence and accuracy. The confidence level and accuracy. Aage. In addition to simple random sampling and stratified sampling, it should have routines for more complex sampling such as cluster and kya likha, multi-stage sampling. Clear है, that is S से दो point. That is called UV wraps. UV wraps. UV wraps. Time pass 8 बजे का पढ़ने का आज, क्या बोल रहा हूं मैं, IPL चालू हो रहा है, ऐसा मतलब नहीं सब बंद, क्या बोल रहा हूं.
मतलब दिस शुड हैपन ड्यूरिंग व्हेन आई वाज स्टडीिंग. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज मेरे घर पे ना डैड बाहर टीवी देखता था और डैड लव्स क्रिकेट मेरे जैसा. तो मैं और मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक, मतलब मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता रहा, आई रियली लव द स्पोर्ट. वैसे मैं टेस्ट मैच रहेगा तो मैं सोचे 5-5 बजे उठ के देखता था, जब भी अपन वेले थे तभी. क्लियर है? तो मैं ना घर पर बैठ के टीवी, मैं घर पर पढ़ाई कर रहा हूँ ठीक है, और शाम को 8 बजे IPL चालू होएगा वैसे करके. और अगर मुंबई इंडियंस का मैच रहेगा ना तो आई एम सपोर्टर ऑफ मुंबई इंडियंस ठीक है, तो पला बड़ा अपन इधर ही है. तो जैसे वहां पे कुछ ऐसे कुछ आउट हुआ है, डैड से लगा आउट करके ऐसे करके, और मैं बाहर क्या यार क्या कर रहा है लाइफ पे तेरी, तो क्या कर रहा है मैं बाहर आके एक बार स्नीक पीक जाके हाईलाइट भी आ गया ना, एक बार रिपीट कैसे आउट हुआ करके, अच्छा ऐसा आउट हो गया वापस जाते थे, तो अगले बॉल वापस नहीं तो आउट होगा, तो अपन वापस बाहर, अपन वापस छोड़ यार 2 घंटा मैच देखते हैं फिर बाद में आराम जाके पढ़ेंगे करके. दिस यूज टू टेल योर सेल्फ की अच्छे से मैच देख लेता हूँ मैं, बाद में देख क्या पढ़ता हूँ मैं, रात को फ्रेश होने के बाद मैच देख लेंगे, हो गया फिर सो जाएंगे, यानी खुद को बोलते हैं कल देख क्या पढ़ता हूँ मैं आ जाते रहिए मत करा, मैंने मिस्टेक किया था, खाली गलती बता रहा हूँ. यह क्या तेरा यहाँ पे प्रोसेसिंग एबिलिटी वाला इजी, यहाँ पे बोल युविराज, पहले यू से क्या यहाँ पे तेरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, मानी वी से क्या आएगा वेंडर सपोर्ट, आर से रिपोर्ट राइटिंग, ए से 2 आएगा तेरा दोस्त एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. अच्छा तेरा पी से आएगा प्रोसेसिंग एबिलिटी, तेरा एस से भी 2 आएगा दोस्त सिंपलिसिटी एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैपेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैपेबिलिटी. इजी यहाँ पे एक बार रिपीट करना, एक बार बोलना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईकैप्स इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम सिस्टम, क्या हो रहा है इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम सिस्टम, एक्जैक्टली ये आएगा तेरा, ये आंसर आएगा फिर. क्लियर है? 2 बार आ चुका, बोल पहले क्या आएगा तेरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, बाने क्या आएगा वेंडर सपोर्ट, बाने रिपोर्ट राइटिंग, ए से एक्सेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी, पी से प्रोसेसिंग एबिलिटी, एस से तेरा दोस्त दो सिंपलिसिटी एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैपेबिलिटी. इजी यहाँ पे क्लियर. अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईकैप्स. नेक्स्ट पे आ जाओ सेकंड में, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑन ऑडिट अप्रोच नीड्स कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. हमने कहा इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर एज कम वंस कंप्यूटराइजेशन, एक बार आ चुका क्या रह, क्या हुआ तेरे कंप्यूटर आने से, क्या क्या हुआ देख पहले क्या लिखा है, हाई स्पीड, क्या लिखा है हाई स्पीड. ओके तो इसमें खाली अपन मार्क करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर कंटेंट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट एरिया देख क्या लिखा, इन अ सीएस एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड वेरी क्विकली, इवन कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स इन स्पेसिफिक रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी जनरेटेड फॉर ऑडिट पर्पसेस विदाउट क्या लिखा मच लॉस ऑफ टाइम. आगे का पार्ट है ना दैट इज जस्ट एडिशनल कंटेंट, यू कैन पुट दिस इन ब्रैकेट जो मैंने अभी रीड किया, and aage ka you can if you cross also it is okay, but ensure that what you are putting in bracket now you are writing properly. 1 minute time shot done diya, ha kiya okay, good job theek hai aa ja. So in this also it is not there, can you share with her, dekh kya likha aa ja. To ye aage the rahe hai high speed, second kya likha low clicker errors. Computerized operations being systematic and sequential program course of action, the changes of commission of error is considerably reduced. Clerical error is kya likha pe highly minimized. Clerical error ka simple example, apan koi bhi grammatical error karta hai word pe, to word usko kya karta hai wo red ya green underlining karke dikhayega apne ko. Aisa aage concentration of duties. In a CIS environment, the traditional approach does not apply in many cases as computer programs perform more than one set of activities at a time, thereby concentrating the duties of several personnel involved in kya likha pe work unlike karna pe perform more than one set of activities at a time. That is why segregation of duties is not possible wala point. Abhi shifting of internal control base, applicant system development control, system development control should be designed to provide reasonable assurance that they are developed in an authorized and efficient manner to establish control. The system should have proper control. Woh idhar access controller also jo apne wo dekha PECO as a red asset, woh wala points. Aage system control software, system software controls are designed to provide reasonable assurance that system software is acquired or developed in an authorized and kya likha pe efficient manner. Clear hai? So system should be proper, software should be proper. Underline karna upar case mein. सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम, इसमें ऑनलाइन करना आप है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अपन कैट टूल यूज कर रहे बराबर होना चाहिए. आगे लिखा क्या लिखा, डिटरियरेंस ऑफ मैनुअल रिजेबलनेस, द शिफ्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैनुअल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एनवायरमेंट टू कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एनवायरमेंट नीड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द फिजिकल सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द क्या लिखा आप है लॉजिकल प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन करना डिटेल एनालिसिस,
डेटा एनालिसिस, पर डेटा इजीली मिलेगा नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि डेटा कहां से कहां पे गया, राइट? डिसअपीयरेंस ऑफ मैनुअल रिजेंबलेंस, मैनुअली विल नॉट बी फंक्शनिंग. आगे इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम, देख इफ द सिस्टम इज गुड इट्स ग्रेट. कंप्यूटर अपन यूज कर रहे हैं पूरा मैनुअल का शिफ्ट किया कंप्यूटर में और तेरा एकदम वो थर्ड क्लास एप्लीकेशन निकला तो तेरा बैंड है, नाउ एवरीथिंग मे गो रॉन्ग. देखा लिखा केयर हैज टू बी टेकन इन अडॉप्टिंग मैनुअल ऑपरेशन स्विच ओवर टू कंप्यूटराइज ऑपरेशन फॉर इंश्योरिंग, क्या लिखा है, परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड. ऑनलाइन करना अब इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम, इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम. लास्ट पॉइंट उधर लिखा एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एनी आइडिया एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मीन्स? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से अगर अपन डिविएट करते हैं तो उसका खाली रिपोर्टिंग होगा, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो रहा है तो रिपोर्टिंग बिल्कुल होगा नहीं. दैट इज क्या लिखा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रेट रिपोर्टिंग ऑफ ऑल वेरिएबल्स. हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ओनली रिपोर्टेड इफ इट लाइज आउटसाइड सम प्री डिटरमाइंड, क्या लिखा है, नॉर्मल रेंज. क्लियर? तो ही रिपोर्टिंग होगा, तो रिपोर्टिंग अपन फंक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा. लास्ट में मैन मशीन इंटरफेस और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. मैन मशीन इंटरफेस एंश्योर्स मैक्सिमम इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर एंड टू प्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन इन द, क्या लिखा है, ऑनलाइन करना मोस्ट अनक्लटर्ड वे. ऑनलाइन करना मोस्ट अनक्लटर्ड वे. मैन मशीन इंटरफेस अच्छा होना चाहिए. जैसे वाई इज आईफोन कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फोन, बिकॉज द मैन मशीन इंटरफेस इज वन ऑफ द बेस्ट. वाई इज ऑल द जो भी मोबाइल इंडस्ट्री में जो भी अच्छा फंक्शन कर रहे हैं सेलफोन इंडस्ट्री में, तो वाई आर दे कंसीडर टू बी द बेस्ट, बिकॉज मैन मशीन इंटरफेस इज मच बेटर. क्लियर? इंटरेक्शन इज मच मोर स्मूदर इसके लिए. ओके देखते हैं ब्लैकबेरी का एक फीचर था, ब्लैकबेरी याद है? ब्लैकबेरी मैन मशीन इंटरफेस वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज यू कैन टाइप द एंड ऑल द स्मॉल कीज वर देयर, सो यू कैन टाइप व्हाटएवर यू नीड, वैसे करके दैट मैन मशीन इंटरफेस वाज ग्रेट वैसा. ओके आराम से देखते हैं इसको जोड़ी में करना पड़ेगा अपने को. पहले बोलने का हाई, बाने बोलने का लो. क्या बोलने का? हाई एंड लो. हाई लो में आगे देना हाई स्पीड लो क्लेरिकल एरर्स, तो सर्व करते हाई लो, उसको डब्बे में डालते हाई लो. बाद में देख ऐसे एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है शिफ्टिंग. एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है शिफ्टिंग. देख मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्यूटी शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस, शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस. एक आदमी गायब हो गया तो तू सोचेगा भाई क्या हुआ ये, तो तुमको इंपैक्ट करेगा. देख क्या लिखा, गायब हो गया तो अपन बोलेंगे डिसअपीयरेंस. क्या बोलेंगे अपन यहां पे? डिसअपीयरेंस. देखो इंपैक्ट करेगा, देख क्या लिखा, इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम. सोच इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम. ये लास्ट में उधर लिखा है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग एंड मैन मशीन इंटरफेस. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मैन मशीन इंटरफेस, दिस इज बोथ इन रिलेशन टू इंटरेक्शन. एक है सिस्टम में अगर कोडेड हर चीज है, उसके अलावा कुछ हुआ तो रिपोर्ट करेगा, दैट एक्सेप्शन रिपोर्टिंग. मैं कंप्यूटर से किसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, दैट इज मैन मशीन इंटरफेस. तो बोथ आर रिलेशन टू इंटरेक्शन, मैन मशीन इंटरफेस. ठीक है, आराम से मैं सब बोलना. तेरे आठ पॉइंट है, दो दो की जोड़ी में आना चाहिए. पहले हाई क्या, स्पीड. लो क्या, क्लेरिकल एरर्स. यहां से क्लियर है? हाई एंड लो. ये क्या जरा कॉन्सेंट्रेशन ऑन, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्यूटीज एंड शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस. इंटरनल कंट्रोल बेस, इंटरनल कंट्रोल में चेंज हो जाएगा. अच्छा नेक्स्ट आगे उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ मैनुअल रिजेंबलेंस एंड इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम. क्या इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम. लास्ट में तेरा क्या आएगा, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग एंड दूसरा क्या आएगा, मैन मशीन इंटरफेस. मैन मशीन इंटरफेस एक बार रिपीट करते हैं यहां पे, दो दो की जोड़ी में आराम से बोलना. पहले क्या कहते हैं यहां पे, हाई स्पीड माने क्या आएगा, लो क्लेरिकल एरर्स माने क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस, उसके बाद क्या आएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ मैनुअल रीजनेबलनेस और ह्यूमन आर नॉट रिक्वायर्ड माने क्या आएगा, इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम, उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है, लास्ट में मैन मशीन इंटरफेस. मैन मशीन इंटरफेस सिंपल है यहां पे, क्लियर? अच्छा लास्ट आंसर, लेट्स फिनिश इट ऑफ. क्या लिखा, ओके कम टू दिस आंसर. क्या लिखा, ऑडिटर्स रिव्यू इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. तो देखा क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. डिफरेंट कंट्रोल्स. नाउ बी वेरी केयरफुल इन दिस आंसर. इफ दे आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, वो आंसर अलग है दोस्त. दैट इज योर पेको एज अ रेड एसेट वाला. नेक्स्ट इधर Is the are the control reliable or not? How will the auditor ascertain whether the controls are reliable or not? वो तेरा आंसर लगो, कौन सा तेरा source data input process output वाला, याद है कि नहीं? डायग्राम मैंने बनाया था. ये है auditor's review of the different types of controls. मतलब auditor क्या क्या चीज review करेगा, ये reliability check नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, review check कर रहा है. सुना, एक होता है controls क्या क्या, different types of controls. दूसरा होता है तेरा यहाँ पे controls में कितना rely कर सकता हूं मैं, मतलब क्या basically, याद है वो तेरा इसमें
हाउ मच कैन आई रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। तो अगर रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल तेरा ज्यादा रहेगा तो यू विल रीच मच हाइट। मेरा सब्सटेंडिव प्रोसीजर क्या होगा, कम होगा, सिंपल है यहां पे। तो कंट्रोल्स पे अपन ज्यादा रिलाई कर सकते हो, दैट इज दैट सेकंड आंसर, रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स। थर्ड है ये रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं क्या क्या चेक करूंगा, दैट इज ऑडिटर्स रिव्यू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? The review process of controls in a computerized information system environment. In a CIS environment, there are different types of controls which operate over data moving into मतलब क्या, जो कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, through मतलब कंप्यूटर के थ्रू पास हो रहा है, एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज नथिंग बट इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगेन इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दीज आर डिजाइन इन सच अ वे दैट द करेक्ट कंप्लीट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज एंश्योर्ड। इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू रिव्यू सच कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द डेटा एंटर्ड। वो डेट एंटर्ड लिखा ना, उसको डेटा कर दे, डेटा आना चाहिए, डेटा एंटर्ड। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में आगे लिखा है द रिव्यू प्रोसेस कैन बी लेड एज फॉलोस। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उधर लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स। क्लियर मिला? अब तुमको पूरा लिखना है और तुम लोग आता है, क्यों आता है पता है क्या? मेरे को आराम से बोलना सुन, डेटा एनालिस्ट, डेटाबेस एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, एंड लास्ट में आएगा लाइब्रेरियन। पूरा ये लिखना तेरे को, क्या लिखा? द एंटिटी मे हैव डिफरेंट फंक्शंस अंडर द सीआईएस एनवायरनमेंट, देयर मे बी ऑनलाइन करना, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेट लिखा तो डेटा कर दे, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर विल फॉर्मुलेट डेटा पॉलिसीज प्लान्स द इवैल्यूएशन ऑफ द कॉपी डेटाबेसेस एंड मेंटेन डेटा डॉक्यूमेंटेशन। द डेटाबेस एनालिस्ट हेल्प करना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस। द क्या लिखा आगे, सिस्टम एनालिस्ट हेल्प करना, सिस्टम एनालिस्ट will manage the information requirement for new and existing application and designs the information system. So you already know this. Aage likha hai system programmer will maintain and enhance the operating system software. Aage likha hai application programmer will design the program to meet information requirement. Operation specialist plans, controls day-to-day operations, monitors and improves the operational efficiency along with the capacity planning. And kya likha hai, librarian maintains library of magnetic media and documentation. Suna kya bol raha hai, sun. अपने जब ये आंसर किया था ना, ये अपने देखा था कि व्हाट आर द रोल्स इन सीएस एनवायरनमेंट, रोल्स उसके नीचे ना तेरा दो चीज था, द ऑडिटर मस्ट इंश्योर समथिंग, टू थिंग्स, क्या करना चाहिए था कि यार इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बरोबर दिया कि नहीं दिया, और दूसरा सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है। नेक्स्ट वही लिखा, क्या लिखा, द ऑडिटर्स विल सी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच जॉब पोजीशन आर क्लियर एंड दैट द पर्सन अंडरस्टैंड द ड्यूटीज एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ड्यूटीज हैव बीन सेपरेटेड टू एंश्योर द इंटरनल कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड। यू हैव टू राइट एग्जैक्टली दैट एंटायर आंसर। मैं तभी जब कर रहे थे अपन, तभी बोला था कि आगे काम आएगा, ये आगे काम आ गया, मेरे पूरा कंटेंट ऑफ एन आंसर को मिल गया। ये कहता था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स, आगे अभी सिंपल है, अभी सडनली बड़ा आंसर, एक बड़ा पार्ट खत्म होता है, मैं लगता है हाँ ये तो सिंपल है, फिर देख रहा था अरे कैसे होगा ये, देखा लिखा, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, द ऑडिटर हैज टू सी दैट देयर इज प्रॉपर एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अप्रूवल ऑफ, ऑनलाइन करना किया हुआ आईपीसी में, किया रहेगा आईटी पास हुआ तो किया रहेगा, देखा लिखा सिस्टम फ्लो चार्ट, क्या लिखा सिस्टम फ्लो चार्ट, बाकी तो अपना पूरा भरोसा रहता है एसएम पे, देखा लिखा है आगे लिखा है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, program changes, operators instructions and program description and the changes made in the above are also documented and approved by the kya likha pe dost, authorized persons, documentation. Again, access control, the auditor has to ensure the system prevents the persons who are authorized for access from accessing restricted data and program, and also prevents unauthorized persons accessing, gaining access to the system as a whole. Access controls, इनपुट कंट्रोल्स लिखा है, द कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हैज टू बी इफेक्टिव टू एंश्योर दैट अनलाइक एन ओनली प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड डेटा गोज इन द इनपुट इनटू द सीआईएस सिस्टम फॉर वैलिडेशन ऑफ इनपुट कंट्रोल द ऑडिटर कैन अप्लाई सम प्रोसीजर्स लाइक चेक डिजिट कंट्रोल कंप्लीटनेस कंट्रोल्स रीजनेबलनेस चेक्स फील्ड चेक्स रिकॉर्ड चेक्स फाइल चेक्स एक्सेट्रा ये सब इसका है ठीक है एप्लीकेशन कंट्रोल्स में ठीक है आगे processing controls, these controls are must for integrity of data, like integrity of data. Processing validation check should be kya likha pe applied, processing validation check should be applied. Aage recording control, this is for enabling the records to be like kept free of errors, like kept free of errors, recording controls. Then likha storage controls, dekh kya likha, the data is the heart of the CIS system, ye sab like body parts ke bare mein hai.
डेटा इज द हार्ट ऑफ द सीआई सिस्टम, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटीज विल एंश्योर द प्रॉपर डेटा अवेलेबिलिटी टू द, क्या लिखा है, मैनेजमेंट, क्लियर है। आगे आउटपुट कंट्रोल्स, द डेटा प्रोसेस मस्ट गो टू द ऑथराइज्ड पर्सन इन अ मैनर, मस्ट गो टू द ऑथराइज्ड पर्सन इन अ मैनर इट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इनपुट कंट्रोल्स आर मेंटेन्ड, द ऑडिटर इज इंटरेस्टेड टू नो वेदर ऑडिट ट्रेल रिलेटिंग टू आउटपुट इज प्रोवाइडेड, ऑडिट ट्रेल रिलेटिंग टू दिस इज प्रोवाइडेड, इज एक कोड लिख द, अच्छा यहां पे तेरा आएगा ये ऑडिटर रिव्यू डिफरेंट कंट्रोल्स, व्हाट विल बी द आंसर, पहला आएगा तेरा फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स, क्या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स, क्लियर है। अच्छा यू विल गेट एकदम उसी में ऑर्डर में, यू विल गेट ओड आई प्रेसो करके, ओड आई प्रेसो, यू गेट ओड आई प्रेसो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। Or if you want to make it more simpler, then you go in the normal order of input, process, output, output nahi to storage. That completes of this point, this point, this point and input process, ye wala point. And the wala se yaad rakhna hai yahan pe tera ordering karke, O D R E karke. You can go for this also. Whatever you feel right, you go for it. Order wise aisa hai ki order press par baithta to ho jata tera yahan pe. Organization structure and control first point. डी से आएगा तेरा पे डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, ए से आएगा एक्सेस कंट्रोल, आई से इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, रिकॉर्डिंग कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल्स। इजी सिंपल है, क्लियर पक्का। टोटल हाउ मेनी आंसर्स इन दिस चैप्टर, ट्वेल्व, कितना, ट्वेल्व। कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है चैप्टर में चलेगा, लेकिन बारह करके जा, क्या बोल रहा है ये, टो ट्वेल्व तो करके जा, ठीक है, अच्छे से कर, मतलब क्या इसमें से आ गया तो ये जेब का मार्क्स है, नॉट डोंट लूज दी इजी मार्क्स, दे हैव कम अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम, ऑलवेज कम इन द एग्जाम, सीआईएस इज समथिंग दैट ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम, तो ये छोड़ना मत, क्लियर है। खाली मैं तो खाली ओवरव्यू ले ले, माने अपन ब्रेक लेते, पहले अपन ने किया था तेरा कैट का, कैट का मैं देखा था तेरा, पहले कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड, फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग द ऑफ कैट, क्या आया था टाइम्स वाला कोड, सेकंड वाला तेरा आएगा, उसके बाद अपन ने किया था ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द यूज ऑफ विद द यूज ऑफ कैट, ये तेरा कौन सा था दोस्त, तेरा वो 520 530 वाला टेस्ट ऑफ गैड, माने आएगा 520 530 एंड माने रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सुपर, माने नेक्स्ट आएगा तेरा हाउ शुड आई एस्टैब्लिश वेदर, व्हाट प्रोसीजर शुड आई डू टू एंश्योर कंट्रोल्स इन कैट, तेरा वो फ्लो वाला पॉइंट, फ्लो वाला डिजाइन एंड टेस्टिंग, लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, याद है कि नहीं है, तो वो पूरा फ्लो, अच्छा नेक्स्ट आएगा उसके बाद, दैट इज अप्रोचेस, तेरा नहीं नहीं, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कैट टूल्स, क्या आएगा तेरा, पब्स, क्या आएगा, पैकेज प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, पर्पस रिटन प्रोग्राम्स, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, क्लियर है यहां पे। अच्छा देन आफ्टर दैट वी वेंट टू सीआईएस, सीआईएस में अपने पहले क्या किया था, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जरा वो पेको एज अ रेड एसेट वाला, क्लियर है। अच्छा सेकंड हमने देखा था ये कंट्रोल्स में रिलायबिलिटी कैसे सेट करेंगे अपन, वो जरा डायग्राम कौन सा, सोर्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज वाला, ये क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमने किया था तेरा, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आएगा, किंग वाला स्टोरी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का देखा कि ऐसे सोचा था बने कि हम डिफरेंट रोल सेट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंट रोल्स क्या क्या था जरा सिंपल है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, वन में क्या आएगा सिस्टम एनालिस्ट, बात किसे करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, उसका बॉस कौन, सिस्टम प्रोग्रामर, वन में कौन आएगा, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, लास्ट में क्या आएगा, लाइब्रेरियन, ये तक सेट जरा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जरा नेक्स्ट हम देख रहे, उसके बाद ये दो मिनट बैठो रहे, ये कोई तरीका है, मिलेगा ब्रेक, हाँ तो दो मिनट रुक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यू विल हैव अपन लास्ट में क्या था, अप्रोचेस, अप्रोच क्या था, ब्लैक बॉक्स अप्रोच एंड व्हाइट बॉक्स अप्रोच, नेक्स्ट ये तीन आंसर्स, तीनों इंपॉर्टेंट आ गए एग्जाम में पहले, काफी बार पहले क्या था, ऑर्डर था कैटेगरीज ऑफ इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम सिस्टम, यूवी रैप्स वाला आंसर, अंडरस्टैंडिंग, वेंडर सपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, तेरा पीस है परफॉर्म प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, बाद में क्या आएगा तेरा सिंप्लिसिटी एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैपेबिलिटी, लास्ट में आएगा तेरा उसके बाद, नहीं उसके बाद क्या आएगा तेरा इंपैक्ट, इंपैक्ट क्या आएगा तेरा हाई लो, हाई लो, हाई स्पीड लो क्लैरिटी, माने क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस, माने क्या कर रहे, डिसअपीयरेंस ऑफ मैनुअल, क्या आएगा इंपैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम, माने क्या आएगा
एक्सेल रिपोर्टिंग, दूसरा क्या है मशीन ह्यूमन इंटरफेस, क्लियर है कि नहीं? अच्छा लास्ट में आपने किया था ये वाला आंसर, क्या इसका नाम क्या है? हाउ विल द ऑडिटर रिव्यू डिफरेंट कंट्रोल्स, तो रिव्यू कैसे करेगा? क्या इधर आंसर वहां पे ओडाई प्रेस हो, क्या आएगा? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, जिसमें देखो पूरा कौन सा आंसर लिखना है, रोल्स वाला पूरा। अच्छा तेरा नेक्स्ट आएगा डी से डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, ए से एक्सेस कंट्रोल, आई से इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, रिकॉर्डिंग कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, टेक वेल डिजर्विंग ब्रेक, करते बाद में आगे।